लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बजरंगबली मेरा काम कर देना। जय हो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्ण। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी। अरे आइए आइए पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार। आज फूले भटके हमारा घर पवित्र करने कैसे चले आए? ये तो जक्की रीत है, स्वार्थ बिना प्रीत भला होती है। ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सुनकर आप पंडित का पेट और पीठ दोनों लाद दोगी। दीनदयाल जी कहाँ है? बस दफ्तर से आते ही होंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार। ये कोई खुशखबरी लाए हैं क्या? हाँ हाँ भाई, कल आपकी बेटी रजनी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अरे वाह, लड़के के बाप का कानपुर में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। वाह। हाँ, लड़का हीरो है। हीरो? नहीं नहीं, हीरा है, हीरा। लड़का कानपुर हैवी इलेक्ट्रिक्स में बहुत बड़ा अफसर है। वाह पंडित जी, वाह। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पंडित जी उसकी आप चिंता मत करिए, आप उनको लेकर तो आइए। हाँ लेकर आता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। जय राम जी की। ठीक है। गोदावरी, ओ गोदावरी, याद है ना आज अपनी रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? अगर खाने पीने के मामले में जरा सी भी कमी हो गई तो समझ लेना कि रिश्ते से भी जाएंगे और इज्जत से भी। इसलिए खालिस मावे के रसगुल्ले तैयार करवाना। रसगुल्ला ऐसा हो कि हाथ में लो तो रस टपकने लगे और मुंह में लेने से पहले ला टपक पड़े। टपक गई। चुप कर। केसर पिस्ता डालकर गाजर का हलवा बनवाना, और अगर सूजी का हलवा घी में सराबोर हो बस फिर तो कहना ही क्या है। जैसे काई में पांव रखो तो आदमी रपट जाता है, वैसे हलवा मुंह में रखो तो पेट में सरक जाना चाहिए। हे शाने, हे सेठ, हे हलवा किसके पेट में सरकेगा? गंगूबाई, गंगूबाई, अपनी बकबक बंद करो। मैं तुमसे नहीं अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा हूँ। हो
तुम्हारी पत्नी है, घर में धर्म पत्नी बनकर आई ना, मैं तो उससे पहले से इधर भांडी बर्तन करती, इतनी छोटी थी जब काम शुरू किया। हे भाई, डॉक्टर ने बोला ना इनको शक्कर का बीमारी है। चुप कर। हाँ, शक्कर का बीमारी है, तरी शक्कर की चाशनी में डुबकी मारने को देखते। भाई भगवान के लिए खामोश रहो। गोदावरी, हाँ तो गोदावरी, मैं कह रहा था कि चार तरह के मेहमान होंगे तो चार तरह की फरमाइशें भी होंगे। इसलिए चार तरह के मीठे के साथ साथ चार तरह के नमकीन भी तैयार कर लेना। इसलिए कि तुमको पेट भर के खाने को मिले। गंगू भाई, अरे सेठ, अपने जीप के सटाके को बंद करो ना, मेरा मुंह बंद करके क्या होएगा? खाएंगे तुम, और जब रात को पेट में गैस मरोड़ देंगे ना तो चिल्लाएंगे गोदावरी गोदावरी, मेरे पेट में ऑटो रिक्शा चलता है। अरे, ये कुएं का पानी इतना सूख कैसे गया? देवर, ये पानी सूखा? आइंदा कभी मेरी बातों में दखल दिया तो गर्दन मरोड़ कर कुएं फेंक दूंगा, समझ गई? समझ ली माँ जी। औरों के घर में अगर लड़के के घर वाले लड़की को नापसंद कर गए तो लड़के के घर वाले दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई तो बाबूजी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों बाबू? एक तो बाबूजी सभी लोगों को इतना प्यार करते हैं कि किसी की जुदाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात ये कि मेहमान नवाजी का कुछ ज्यादा ही शौक है उन्हें। किसी न किसी बहाने इस घर में मेहमान आते रहे और खाने की अच्छी अच्छी चीजें पकती रहे, इससे मेहमान भी खुश होकर जाए और बाबूजी की जुबान का जायका भी बना रहे। ये तो तुम्हारे हाथ का हुनर है बहू, बाहर का भोज और अपने घर का भोजन दोनों का स्वाद एक सा होता है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ दवाई दो? नहीं नहीं माँ जी, आपने अभी भी मेरी तारीफ की ना, जरा नाक में चढ़ गई। अरे बहू, लाल मिर्च और नमक उतार के अंगर में डाल दो, पट 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 सब नजर चल जाएंगी। सच्ची माँ बेटी में ऐसा प्यार नहीं देखा जो सास बहू में आए। माटी मेली किधर मेरी नजर नहीं लग जाए, देवारी देवा। ये क्या तुम मुझे हर वक्त परेशान करती रहती? पिछली बार सहारनपुर से लड़की देखने चले आए थे, इस बार यहाँ कोई कानपुर से देखने के लिए आ रहा है, अगली बार कोई नागपुर से चला आएगा। ये हर महीने लड़के वालों की आओ भगत में ही मेरा सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं? जरा आहिस्ता बोलिए। बाबूजी हॉल में बैठे, अगर उन्हें सुन लिया। अरे सुन लिया तो क्या गर्दन उड़ा देंगे? महीने की हर पहली तारीख को 100-100 के 8 नोट गिनकर माँ के हाथ में धरता हूँ। ये महीने के आखिर में 100-200 रुपए की चिक-चिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आखिरी बार कह देता हूँ। देखिए, आप कंपनी का बजट तैयार करते हैं तो उसमें भी कम ज्यादा हो जाता है, तो घर के बजट में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो इसमें इतना गर्म क्यों होते हैं जी? तो क्या करूं, पैसे किसी पेड़ पे तो नहीं उगते। देखो, ये ऊंच नीच हरगिज नहीं होनी चाहिए, चाहे घर में शादी हो या और कुछ। मैं 800 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देने वाला। ऐसे कैसे चलेगा, ये घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है, आखिरी बार कर देता हूं, लेकिन आइंदा के लिए कम से कम तुम तो समझ जाओ। शिवा, ओ शिवा, शिवा उठना, देख क्या टाइम हो रहा है, तू अभी तक सो रहा है? भैया गैराज में नाइट शिफ्ट करके थोड़ी देर पहले लौटा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, वैसे बहुत देर हो गई। तू बैंक जाकर ये चेक तोड़वा ले और पैसे माँ को दे देना, रजनी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी अच्छा भैया। शिवा, तू भी तो रजनी का भाई है, लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, क्या तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है कि लड़का कौन है, कैसा है, खानदान क्या है? भैया आप बड़े लोग जो घर में हैं, मैं बीच में क्या बोलूं? हाँ, ये बेवकूफ है ना, सबका बोझ ढोने के लिए। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते, आइए पधारिए, बस आप ही की राह देख रहे थे, आइए बेटे। आप कहाँ जा रहे हैं? सबके साथ भीतर चले जाएंगे तो टैक्सी का भाड़ा कौन चुकाएगा? पूरा 32 रुपया 60 पैसा हुआ है। अगर उनको लड़की पसंद नहीं आई तो पूरे 32 रुपए 60 पैसे लौटा देंगे। भैया लड़की वाले हो, लेने की बात तो बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ देना ही देना सीखो। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। आइए आइए बैठे, आइए पंडित जी आप भी बैठिए। हाँ तो जगमोहन दास जी, आप हैं लड़की के पिता दीनदयाल शर्मा जी, सरकारी दफ्तर में बहुत बड़े अफसर हैं। दफ्तर में कदम रखते ही छोटे बड़े सभी काम करने वाले उठकर खड़े हो जाते हैं। दीनदयाल जी सलामी लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन सलामी देने वाले नहीं थकते हैं। और आप हैं लड़के के पिता सेठ श्री जगमोहन दास जी, कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें इनकी बदौलत चलती है। मिल में कपड़ा बनते ही सीधा इनकी दुकान पर पहुंच जाता है, छोटे बड़े दुकानदारों की रोजी रोटी
इन्हीं के दम पर चलती है, लाखों करोड़ों में खेलते हैं ये। आप तो हमें चने के पेड़ पर चढ़ा रहे पंडित जी। दरअसल पंडित जी की इसमें कोई गलती नहीं दीनदयाल जी, इनके और वकील के पेशे में कोई फर्क नहीं है। वकील सोचता है कि चाहे कितना ही झूठ सच बोलो लेकिन केस नहीं हारना चाहिए, और पंडित जी का विचार है कि कितना ही ऊंच नीच बोलो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। दरअसल दीनदयाल जी, मेरा कपड़ों का कोई बड़ा कारोबार नहीं है, बल्कि गांधी मार्केट में कपड़े की एक छोटी सी दुकान है। तो आप भी किसी गलत फहमी में मत रहिएगा जगमोहन जी, मैं सरकारी दफ्तर का बहुत बड़ा अफसर नहीं, दफ्तर का बड़ा बाबू। मुझे लगता है पंडित जी ने आप लोगों से मेरे बेटे के बारे में जरूर कहा होगा कि कानपुर एवी इलेक्ट्रिकल्स में वो इंजीनियर या बहुत बड़ा अफसर है। हाँ, कुछ ऐसा ही कह रहे थे। ये सरासर झूठ है। उस बड़ी कंपनी में मेरा बेटा छोटा बाबू है, और ये मेरी बेटी मिस वसंती, इसी साल उसने बीए किया है। बस एक बेटा है और एक बेटी। उसके बाद क्या आपने लाल त्रिकोण अपना लिया? जी नहीं, ऊपर वाले ने लाल झंडी दिखा दी, वक्त से पहले मेरी बीवी गुजर गई। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। खैर मेरा दुखड़ा छोड़िए, अब आप ये बताइए कि आपके घर परिवार में कौन कौन है। वो बताने से पहले अगर थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। भले ही मेहमान भूल जाए पर ये नाश्ते के बारे में कभी नहीं भूलते। मैंने सिर्फ 4 प्लेटें रखी हैं, तुम इन्हें मेहमानों को दे देना, इनके हाथ में चुटकी भर भी देने की जरूरत नहीं। मैं भी देखती हूँ आज वो क्या करते हैं। माँ जी, बाबूजी का बड़े बाबू का दिमाग है, कोई न कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। अच्छे मुहूर्त में सब कुछ अच्छा ही होता है। हेलो बेटी, लो इस घर का हलवा बहुत अच्छा होता है। हाँ लो लो, जगमोहन दास जी लीजिए। लाओ लाओ बहू लाओ। बेटी, पंडित जी बरसों से इस घर में आ रहे हैं, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि पंडित जी को शक्कर की बीमारी है, मीठा खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या हलवा है, वाह वाह वाह, बेटी तुमने बनाया है, बाबा थोड़ा और ले आओ। जगमोहन जी, अब मैं आपको अपने परिवार के लोगों से मिलवाता हूं। अच्छा, गोदावरी गोदावरी गोदावरी, यही है मेरी। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। पहली बार आपने जिस अपनेपन से उन्हें बुलाया और वो आकर खड़ी हो गई, वो और कोई नहीं आपकी धर्मपत्नी ही हो सकती है। भाभी जी नमस्कार। वाह वाह वाह, दाद देनी चाहिए आपकी समझदारी। शर्मा जी, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मेरी तारीफ करके। जगमोहन जी, दरअसल तारीफ के काबिल तो गोदावरी है, इसे खुद खाने का बिल्कुल शौक नहीं लेकिन दूसरों को खिलाकर बहुत खुश होती है, और खासकर मुझे। आहा, क्या स्वादिष्ट हलवा बना है। आहा, ये विजय है मेरा बड़ा बेटा, इसने जिंदगी में कभी हार नहीं देखी, सिर्फ जीत ही जीत देखता चलाया है, पढ़ लिख कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। ये मेरा दूसरा बेटा है शिवा, जैसा नाम वैसा ही काम, दूसरों के भले के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है, यूनाइटेड मोटर्स में मैकेनिक है। नमस्ते। जीते रहो। जगमोहन जी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल का नतीजा है मेरा तीसरा बेटा, इसका नाम है विद्यासागर। वाह साहब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो तो ज्ञान के सागर थे, एक महान महापुरुष। जी हाँ, और सारी जिंदगी मुझे इसी बात का अफसोस रहेगा कि मैंने उस महान पुरुष का नाम इस गधे को दे दिया। क्यों, क्या करता है ये? हाई स्कूल में पढ़ता है, पढ़ता रहा है और पढ़ता रहेगा। समझ गया समझ गया, दरअसल ये अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा है। हाँ जी नहीं, ये मेरी बुनियाद हिला रहा है। हाँ समझ गया समझ गया, ये जो घोड़ी की तरह हिलना रही है ना, इसका नाम गंगूबाई है। पिताजी इसको बंबई से कानपुर लेकर आए थे, जितना ये घर का काम करती है उससे कहीं ज्यादा जुबान चलाती है। वैसे इस घर की नौकरानी नहीं, हमारे ही परिवार की सदस्य है। नमस्ते। अब मैं आपको अपने परिवार की उस शख्सियत से मिलवाता हूँ जो हमारे घर पर ही नहीं हमारे दिलों पर भी राज करती है। अच्छा, कौन है ये महान हस्ती? आओ बेटी आओ, ये हमारी बड़ी बहू। नमस्ते। इसका नाम उमा है, ये हमारे घर का चिराग है। बेटी जरा हलवा दो, इसकी मर्जी के खिलाफ तो इस घर में पत्ता तक नहीं हिल सकता साहब। बेटी जरा हलवा दो। ये भले इस घर की बहू है लेकिन मेरे लिए तो बेटी, मैं तो इसे हमेशा बेटी कहकर बुलाता हूँ। हलवा दो ना बेटी। जी। मुझे नहीं बेटी, शर्मा जी को। पिताजी। हाँ बेटे। आपके पास एक अठन्नी होगी? क्यों,
जरा चितपट करके देखना चाहता हूँ कि आज मेरी तकदीर में लड़की को देखना बदाबी है या नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं। बेटी उमा जरा रजनी को तो ले आओ। आओ बेटी आओ, यहाँ बैठो। ये मेरी बेटी है रजनी। नाम रजनी हो या रजनीगंधा, मुझे उसकी खुशबू में कोई दिलचस्पी नहीं। आप जरा इन्हें गाना गाने को कहिए ना। गाना? और मैं गाऊं? हाँ गाना, आपको गाना आता है ना, गाइए। बेटा हमारे खानदान में एक ही गीत है जो सबको विरासत में मिला है। जब भी कोई लड़की देखने आया तो सिर्फ लड़की ने यही गीत सुनाया है। मेरी दादी ने भी यही गीत गाकर मेरे दादा से शादी की थी। मेरी माँ ने भी मेरे बाप को यही गीत सुनाया था। और मेरी बीवी ने भी यही गाना गाकर मुझसे शादी की। और मेरी बड़ी बहू भी यही गाना समझ गया। बेटी तुम भी इनको वही गीत सुनाओ ना। देखो रजनी, मुझे तुम्हारा ये कमर हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर विदेशों से निकलकर अपने देश में आओ। ऐसा राग गाओ जिसमें यहाँ की महक हो, मिठास हो, प्यार हो। वही पुराना राग। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जवान संगीत पसंद नहीं, बूढ़ा राग अलापना पसंद है। संगीत जितना पुराना होता जाता है रजनी, उतना ही जवान उठता है। मुझे ऐसी तन्हा जगह बेहद पसंद है जहाँ तुम्हारा मेरा साथ हो। तुम ऐसी ही बढ़िया सी साड़ी पहनकर, माथे पर ऐसी ही बिंदिया लगाकर, इन फूलों और नजारों से भी ज्यादा खूबसूरत बनकर मेरे सामने खड़ी हो। और तुम्हारे होठों पर ऐसा गीत हो जिसे सुनकर मैं तुम्हारे प्यार में डूबता चला जाऊं। बदले तूने ना।
बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए, मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया, मुझे आप भी बहुत पसंद आई, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, दहेज में एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आइंदा जिंदगी में आप मुझे कभी गाना नहीं सुनाएंगी। शाबाश बेटी। अच्छा तो जजमान जी, हम विदा लेते हैं, बाकी बातों की खबर हफ्ते दस दिन में आके कर दूंगा। तय दिए पंडित जी, फैसला होना है तो अभी क्यों ना हो जाए, किसी बात को रबर की तरह खींचना मेरी आदत नहीं है। बोलो बेटे, क्या ख्याल है? जब बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। बेटे, इस फैसले का दारोमदार तुम पर है। जब आप लोग मौजूद हैं पिताजी, तो मैं क्या फैसला करूँ? ये पल दो पल का सवाल नहीं, सारी जिंदगी निभाने का सवाल है बेटे। साफ साफ बता दो कि तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। पसंद है पिताजी, बिल्कुल पसंद है। आपको मेरा इशारा समझ लेना चाहिए। समझ गया बेटे, बिल्कुल समझ गया। पंडित जी, ये शादी का मुहूर्त अभी और इसी वक्त निकाली। अबे लो, ये तो क्या कह रही है बेटी? क्यों, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? लेकिन रजनी, आखिर वो लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? इससे पहले तीन लड़के मुझे देख चुके हैं, उन तीनों ने मुझे नापसंद किया था। क्या मैंने उनसे जाकर इसकी वजह पूछी थी? लड़की की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती रजनी, क्योंकि उसकी जिंदगी का फैसला माँ बाप करते हैं। अब मुझे को देख लो, मैंने तुम्हारे भैया के साथ चुपचाप शादी कर ली। भाभी, तुम गांव की हो, मैं शहर की, तुम एसएससी हो, मैं बीएससी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। अब तुम जाकर मेरा फैसला सुनाती हो या मैं खुद जाकर सुनाऊंगी? तुम यहीं रुको, मैं जाकर बात करती हूँ। यजमान, मार्च की 15 तारीख विवाह के लिए इतनी शुभ है कि सदियों के बाद आती है। अच्छा बाबूजी, आप थोड़ी देर के लिए अंदर आइए। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, हम जरा शादी के लगन मुहूर्त पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। मुहूर्त टलकर कहीं नहीं जाएगा बाबूजी, लेकिन इस वक्त आपका अंदर आना बहुत जरूरी है। बेटा विजय, तुम जरा मेहमानों के साथ शादी के लगन मुहूर्त पर विचार करो, मैं अभी आता हूँ। शिवा, तू उनके साथ बैठ के विचार कर, मैं अभी आता हूँ। अरे विद्यासागर, तुम जरा मेहमानों के साथ बैठ कर विचार करो, मैं अभी आता हूँ। आप लोग आपस में बैठ कर विचार करते रहिए, मैं अभी आ रहा। अरे तुम रुक जाओ बरखुरदार, बैठो। अगर तुम भी चले गए तो हम विचार किससे करेंगे, हैं? लड़का मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, किस लिए पसंद नहीं है, इसकी वजह मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। देख बेटी, अगर हम लोगों ने कोई फैसला किया है तो तेरा भला बुरा सोच कर किया है। मैंने भी अपना फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया, शादी मुझे करनी है, आप लोगों को नहीं। मैंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। चुप कर विजय, बड़ी सुर्ख आपके पर लगे हैं तुझमें, जो अच्छा भला लड़का पसंद नहीं है। जब इसने साफ साफ कह दिया कि लड़का इसे पसंद नहीं, तो जबरदस्ती शादी तय करना ना उनके परिवार के लिए अच्छा होगा और ना हमारे लिए। मैं अभी जाकर उनसे बात करके आता हूं। जगमोहन जी, वैसे तो मेरी बेटी शादी के लिए राजी है, उसका कहना है कि क्यों ना शादी से पहले 5-6 महीने इंतजार। विद्या, ये लोग चले गए? हाँ बाबू जी, अंदर की कथा 25 ही सुनकर वो लोग उसी वक्त यहां से चले गए। मैं भी आ रहा हूं। बेटी बसंती, क्या है पिताजी? मैं दुकान जा रहा हूँ, वहां से थोक बाजार जाऊंगा, मैं दोपहर खाने के लिए नहीं आ सकता। नमस्कार जगमोहन जी। अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़े, आइए भीतर आइए, भीतर आइए ना जी। मैं आपकी चौखट के अंदर तभी कदम रखूंगा जब आप मुझे माफ कर देंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप, आइए ना अंदर आइए, आइए बैठिए बैठिए। अब बताइए, कौन सी ऐसी भूल हुई आपसे जिसके आप मुझसे क्षमा चाहते हैं? जगमोहन जी, मेरे घर में मेरी बेटी की वजह से जो आपकी बेइज्जती हुई, उसके बारे में जब भी सोचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने घड़ों पानी मेरे ऊपर डाल दिया हो। दीनदयाल जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है, हर रोज 50 ग्राहक आते हैं, 2500 कपड़े उलट पुलट कर देखते हैं, जो पसंद आता है ले जाते हैं, जो पसंद नहीं आता है छोड़ जाते हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी का नापसंद किया हुआ कपड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया कपड़े का थान है और उसका बाजार में कोई मोल नहीं। मुझे आपका घर और आपका खानदान बहुत पसंद आया, मगर अफसोस इस बात का है, हम लोग करीब तो आ गए मगर रिश्तेदार नहीं बन सके। आप में और मुझ में फर्क सिर्फ यही है कि आपने तो ये सब कह दिया, लेकिन मैं तो कह भी नहीं सकता। वसंती बेटी। जी पिताजी। घर में सूजी का हलवा है ना, अरे दीनदयाल जी को बहुत पसंद है सूजी का हलवा। वो मिठाई तो होगी? मिठाई कोई बात नहीं, गुड़ी ले आओ। अच्छी, अच्छा
अरे ये सब किस लिए जगमोहन जी? अभी बताता हूं बेटी, जल्दी ले आना। हाँ रख दो। शुभ काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी वसंती की शादी आपके मंझले बेटे शिवा के साथ करना चाहता हूं। ये रिश्ता मंजूर है? देखिए, इस मुताल्लुक मुझे अपनी बेटी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी बेटी को इस ढंग से पाल पोस के बड़ा किया है, मैं जिससे कहूंगा उसी से शादी कर ले। मैंने आपको चोट पहुंचाई क्या? जगमोहन जी, जैसे फख्र के साथ आप अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं, वैसे ही सर उठाकर मैं अपने बेटे शिवा के बारे में कह सकता हूं कि जिस लड़की के गले में वरमाला डालने को कहूंगा, बिना किसी सवाल के उसके गले में माला डाल देगा। मैंने ये बात आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं कही, बल्कि मैं तो उस जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी अभी आपने मुझे दिया। जगमोहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दीनदयाल जी, तो फिर ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। समझे जी, मेरी एक प्रार्थना है, जब तक मैं अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं अपने मंझले बेटे शिवा की शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, ऐसे ही होगा। धन्यवाद। ओके डियर, सी। ओके, कल कहाँ मिलेंगे? जैसे तुम कहो। नेशनल पार्क में? हाँ, ओके। बाय। सी यू। मैं एक अजनबी आदमी की मोटरसाइकिल से अभी दरवाजे के सामने आकर उतरी हूँ। आपने पूछा तक नहीं कि वो आदमी कौन था। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसका और मेरा रिश्ता क्या है। जानना चाहता था, लेकिन इस डर से नहीं पूछा कि कहीं मेरे घर की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। आपको ये पूछने का हक है, आप मेरे पिता हैं। अच्छा, मैं तुम्हारा पिता हूँ? ये सब देखकर तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था। मुझे अपनी शादी के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। ओह, शादी हो चुकी है या होनी बाकी है? आपने ये कैसे समझ लिया कि आपको बिना बताए मैं शादी कर लूंगी? ये जानकर बड़ी खुशी हुई बेटी। मैं सोच रहा था कि अपना दामाद मुझे खुद ही तलाश करना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम तो तुमने खुद ही कर दिया। अब तो तुम्हारे फैसले के आगे मुझे सर हिलाकर सिर्फ हामी भरनी है। ठीक है, वो भी कर लूंगा, आखिर तुम्हारा पिता हूं ना। चलो बाकी लोगों से मिलकर भी सलाह मशवरा कर ले। आओ विजय, बहू इधर आओ। गोदावरी, शिवा, विद्यासागर, सब इधर आओ। तुम सब लोगों को यह देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी कि आज मैंने पूरे परिवार को यहां क्यों बुलाया है। तो वो इसलिए कि तुम सब इसी परिवार का एक हिस्सा हो, और इसी परिवार की सबसे बड़ी और अहम सदस्य हैं रजनी शर्मा। इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है, और इस शादी में मैं आप लोगों से मदद की उम्मीद रखता हूं। शादी कहां करनी है, कपड़े लत्ते गहने कहां से और कितने बनवाने हैं, खाने में क्या क्या बनेगा, इस सब मसले पर मुझे आप लोगों की सलाह की जरूरत होगी। लेकिन अगर किसी ने मुझसे ये पूछने की जरूरत की कि लड़का कौन है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि लड़का तो रजनी जी ने खुद ही पसंद कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी बिल्कुल सच कह रहे हैं माँ। एक आदमी जो दफ्तर में मेरे साथ काम करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और यहाँ आने से पहले मैं उसके डैडी से मिलकर सारी बातें तय करके आई हूँ। वो हमारे शादी के लिए राजी हैं। लड़के का नाम क्या है बेटी? पीटर फर्नांडिस। क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? जब बेहयाई का पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, तो उसका यही नतीजा होता है। लड़का धर्म से ईसाई है रजनी? नहीं, वो एक हिंदुस्तानी है। ये तो क्या करने जा रही रजनी, कहां वो क्रिश्चियन और कहां तुम्हारे बाबूजी कट्टर ब्राह्मण। भाभी, जब बाबूजी कुछ नहीं कह रहे तो आपको राय देने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस घर की बेटी हूँ, और आप शादी के बाद इस घर में आई हैं। जब मेरे घर वाले चुप हैं, तो आपको मेरे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। मां, मैं यूनियन के ऑफिस जा रहा, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगा। बेटा, ऐसे नाजुक वक्त में तुम सलाह मशवरा करने के बजाय यूनियन ऑफिस जा रहे हो? जब भाभी को दो टुक जवाब मिल गया कि उनको इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद इस घर में किसी की शादी हो या ना हो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। बाबूजी। हाँ शिवा, क्या बात है? अगर आप ये शादी करना चाहते हैं
तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे अपनी तरफ से कितनी रकम देनी होगी, क्योंकि मुझे कंपनी से कर्जा लेने के लिए अर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अपनी बहन की शादी में तुम अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हो? अपनी बहन के लिए नहीं, मैं अपने बाबूजी का बोझ अपने कंधे पर ढोने के लिए तैयार हूं। नहीं, मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। माँ, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ, फैसले की नहीं। इसका मतलब है अगर हम ना कर देंगे तो उस लड़के के साथ भाग जाएगी? जिन्हें अपने फैसले पर भरोसा नहीं होता वो भागते फिरते हैं माँ। मेरे लिए तो सिर्फ इतना काफी है कि मैं सेंट मैथ्यूज चर्च में जाकर अंगूठी बदल कर उनसे शादी कर लूं, या फिर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर दस्तखत करके कानूनी तौर पर उन्हें अपना पति बना लूं, या फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर माला बदल कर उनसे शादी कर लूं। बाबूजी, ये रजनी। बहू, सेंट मैथ्यूज चर्च को एक नंबर और तीन नंबर बस जाती है, और रजिस्ट्रार के ऑफिस को नंबर 10, और शंकर भगवान का मंदिर रास्ते में कहीं नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप एक क्रिश्चियन लड़के के साथ रजनी की शादी करेंगे? तुम चुप रहो बहू। जब मेरी बेटी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि उसके बाप ने उसके लिए एक लड़का ढूंढने तक की काबिलियत नहीं, तो उसके बाद लड़के का नाम पीताम्बर हो, पीटर फर्नांडिस हो या पीर मोहम्मद हो, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप इस घर के बड़े बेटे हैं, आप जाकर रजनी को समझाइए ना, जाइए। रजनी, ये शादी तुम हमारी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कर रही हो, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। ये जो साड़ी तुम पहने हुए हो ना, इसी साड़ी में तुम्हें इस घर से विदा होना पड़ेगा। तुम्हारी शादी के लिए हम में से कोई भी एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेगा। मुझे इस परिवार के किसी भी आदमी की दया की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है आपको? अपनी ही बहन को पहनी हुई साड़ी में घर छोड़ने की बात कर रहे हैं? अगर आपको ये शादी पसंद नहीं तो उसे जाकर कहिए कि अगर तूने ये शादी की तो मैं तेरे हाथ पांव काटकर चूल्हे में डाल दूंगा, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो रीति रिवाज और धूमधाम के साथ उसका ब्याह करके उसके घर भेज दीजिए। लेकिन आपने तो इन दोनों रास्तों को छोड़कर तीसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है, जिससे बहन का पिंड भी छूट जाएगा और शादी का खर्चा भी बच जाएगा। ठीक ही तो है, जब वो गलत काम कर रही है तो हम लोगों को पिसने की क्या जरूरत है? मैं तो एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। वो सबकी छाती पर सवार होकर अपना फैसला डंके की चोट पर सुना रही है, ऐसी लड़की को तो घर से बाहर धकेलना ही बेहतर होगा। मैं जानती हूँ आपका गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जब शिवा बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है तो आप बड़े होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे जो भी बन पड़े कर दीजिए, बाकी बातें मैं बाबूजी से कर लूंगी कि वो जाकर लड़के के पिता से मिल ले। उमा, जब देखो दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाएगी, क्या बैल मुझे मार, बोझा अपने सर पर ले लेगी और ढूंढना इस बेवकूफ को पड़ेगा। मिस्टर दीनदयाल, मैं सभी धर्मों में फेथ रखता हूं, लेकिन जात पात को बिल्कुल नहीं मानता। मां के पेट में जो बच्चा होता है उसका तो कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता। भगवान की नजर में सभी इंसान एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम चर्च में कैंडल जलाते हैं, आप मंदिरों में दिए जलाते हैं, आप ओम कहते हैं, हम आमीन कहते हैं। सभी धर्मों के बच्चे मां के पेट में सिर्फ 9 महीने रहते हैं, और मरने के बाद सभी इंसानों को वही 6 फीट जमीन की जरूरत पड़ती है। अब चाहे आप उसे चला दीजिए, चाहे दफना दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर एल्बर्ट, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि मेरी बेटी आपके मजहब और आपके रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं जानती। एक बात बताइए आप, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी से पहले अपने पति के घर के रीति रिवाज या तौर तरीके से वाकिफ हो? जी दरअसल मैं शादी से पहले अपनी बेटी की कमजोरियां आपको बता देना चाहता हूँ। वो थोड़ा गर्म दिमाग की है, गुस्से में उसे पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है। तो हम उसकी बातों को भूल जाएंगे और उसको माफ कर देंगे? डोंट वरी मिस्टर दीनदयाल, अगर वो हमारे लिए नहीं बदल पाई तो हम उसके लिए बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी बातें आपसे कहकर मेरे दिमाग का बोझ हल्का हो गया, और आपका जवाब सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एल्बर्ट।
कितने देर तुम पुत्र आ गए, वो जा जा का सुनते थे। क्या बात है, आप दादा बनने वाले हैं क्या? हाँ। वाह वाह, दादी दादा, अरे गोदावरी क्या खबर सुनाई है तुमने। टंग डिंगा कटिंग टंग टिंगा, टंग डिंगा कटिंग टंग टिंगा, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ आज बहुत खुश हूँ। ये मत पूछो क्यों क्यों, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। ऐसी खबर सुनी है, जी करता है कुछ कर दूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ आज बहुत खुश हूँ। और टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, और टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, रिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। धक धक दिल जोर से धड़का, अरे धक 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 दिल जोर से धड़का, बोलो लड़की है या लड़का, बोलो अरे बोलो ना। शर्म से आ गया तुम्हें पसीना, बोलो कौन सा लगा महीना, बोलो। मुंह पे है गुस्से की लाली, वो निकली गाली। कटिंग टंग टिंगा, टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। कुछ काला है, देखो दाल में कुछ काला है, कुछ होने वाला है। छत पर बोले कौवा काला, घर में कोई आने वाला। थाम लिया भाभी ने डंडा, बात हुई हर मुर्गी देती है अंडा। मेहनत करता है,
सबकी यही उम्मीद है कि यह पढ़ लिख जाए, लेकिन यह है कि इस पर कोई असर नहीं होता। बाबूजी ने क्या क्या सपने देखे हैं, लेकिन इसने उनके सारे सपनों को चूर चूर कर डाला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, सुनिए। मुझे माफ कर देना बाबूजी, माफ कर देना। अपने बाबूजी के मुंह से निवाला छीन लिया तूने। तू ना हमें सुख से जीने देगा ना मरने। तू तो ताने सह सह कर बेशरम हो गया है, पर गली मोहल्ले में हमारी जो इज्जत है उसे क्यों रौंद रहा है तू? नाला है तू, पैदा ही क्यों हुआ? भाई, भाभी, पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा? देगा ना? मैं कसम खाता हूँ भाभी, मैं रात दिन एक करके पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा भाभी, जरूर पास होऊंगा। अच्छा अच्छा, रो नहीं, बस भाभी जी। सुनो लक्ष्मी जी, सब काम हो गया? जी हाँ। बहुत देर हो गई है, तुम जाओ। आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम जाओ। रजनी, 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 डैडी आपने अभी तक खाना नहीं खाया? आई एम सॉरी डैडी, मुझे ऑफिस में थोड़ी देर हो गई। पर रजनी कहाँ है? ओके रजनी, आई टेक लीव, गुड नाइट। पीटर, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, क्या यही तुम्हारी तहजीब है? पढ़े लिखे तो तुम भी हो, क्या घर में रहने की यही तहजीब है? मैं कोई बीच सड़क पर तो नहीं नाच रही थी, अपने घर के बेडरूम में डांस सीख रही थी, और वो भी एक लेडी टीचर से। देखो तुम एक शादीशुदा लड़की हो, ये नाच, इस किस्म के कपड़े, क्या बेजरूरी है तुम्हारे लिए? डोंट बी सिली, तुम एक खुले विचार वाले क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो। देखो रजनी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि खुले विचार और बेहूदगी में फर्क न समझो। मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूँ और मेरे लिए मेरा घर ही मेरा चर्च है। और हाँ, मैंने तुमसे दफ्तर में कहा था कि मुझे घर लौटने में देर हो जाएगी, तुम डैड को ठीक वक्त पर खाना खिला देना। डैडी को खाना देने के लिए तो मैंने लक्ष्मी से कह दिया था। अरे बेवकूफ लड़की, घर की नौकरानी और बहू का दर्जा अलग अलग होता है। हाँ। सुनो, ये नुमाइशी कपड़े उतार दो और जाकर साड़ी पहन लो, मुझे वही रजनी चाहिए जिसे मैंने प्यार किया था। चलो चलो चलो, come on. For filtering And destroying disease causing germs. एक मिनट भाभी। क्यों रे विद्या, तुझे नींद आ रही है क्या? जा अभी सो जा, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। कैसी बातें कर रही हो भाभी, इस साल मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहता, इस मर्तबा मुझे किसी भी कीमत पर पास होके दिखाना है, दिन में आपको पकड़ नहीं सकता। बोलिए। बात दरअसल वो नहीं है विद्या, तुम्हारे भैया के नाइट शिफ्ट खत्म करके आने का समय हो गया है, उन्हें सोना है कि नहीं? भाभी, भैया के सोने और मेरे पढ़ने का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम्हारे भैया आ गए। When a little curd is added to the milk, it is again turned into curd by the action of the bacteria. अरे वाह, विद्यासागर अभी तक पढ़ रहा है, शाबाश। देखा भाभी, मुझे पढ़ते हुए देखकर भैया ने शाबाशी दी। भाभी आप जल्दी से आ जाइए, मुझे कुछ सवालों का जवाब समझा दीजिए। अरे भाई अभी तेरी भाभी को भेजता हूँ, मुझे जरा हाथ पांव तो धो लेने दे। अच्छा अच्छा। When a little curd is added to milk, it is again turned. अरे ले ले ले। आज क्या बात है, कुएं के पास जाने के बजाय बाथरूम में हाथ मुंह धो रहे? समझ में नहीं आया। इस विद्यासागर ने तो हमें दुखी कर दिया है, रात भर उसे बैठकर पढ़ाना पड़ता है,
हमारी नई नई शादी हुई और तो फिर दिन में आ जाया करो। दिन में? हाँ। सबके सामने कैसे आ सकती हूँ? मेरी जिंदगी तो फीकी हो गई है। अरे फिकर मत करो डार्लिंग। खोलो खोलो, अरे खोलो ना भाभी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब हाथ मुंह धो रहा हूँ भाई। हाथ मुंह धोने तो कुएं के पास जाके क्यों नहीं धोते भैया? अब वो क्या है ना विद्या, वो इतनी रात गए थका मांदा लौटा हूँ ना, इसलिए कुएं के पास नहीं गया। अच्छा अच्छा। हाँ भाभी, एनसाइक्लोपीडिया इसका मतलब क्या होता है? हाँ, अरे साइकिल के पहिए के बारे में जानना चाहता है। साइकिल के पहिए के बारे में नहीं, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब। हाँ 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 ठीक है, जाओ उसे समझाओ। अरे उसे समझाओ, जाओ। अरे जाओ ना उसे समझाओ, जाओ। भाभी, कबाब में हड्डी का क्या मतलब होता है? विद्या सागर। ए, जाओ उसे समझाओ, जाओ जाओ ना जाओ। माँ की नजर, बाप की नजर, कुत्ते की, बिल्ले की, भूत की, पिशाच की, सब की नजर करो। कीड़ा पीड़ा चलो, कीड़ा पीड़ा चलो, कीड़ा पीड़ा चलो। तुम्हारा ये बला टालना कब खत्म होगा? अरे भाई, एक बार अच्छी तरह से नजर उतर जाएंगी ना तो सब शांति से पार पड़ जाएगा। माँ जी, बम्बई में मुझे हर दो दिन के बाद आपकी चिट्ठी मिलती रहनी चाहिए, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी पकड़कर सीधे चले आऊंगी। हाँ। अरे तुम डर काहे को रही हो बहू, हर लड़की अपनी पहली औलाद के लिए अपने माँ बाप के घर जाती है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, मैं तो नहीं डर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप डर रहे हैं। मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो उस दिन की रात देख रहा हूँ जब तुम एक सुंदर से पोते को लेकर इस घर में आओगी और वो पोता मेरी गोद में खेलेगा। क्यों, अगर पोती होगी तो क्या आप उसे अपनी गोद में नहीं लेंगे? मेरी आंखें नहीं, एक्सरे की मशीन है, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि इन बाहों में तो पोता ही खेलेगा, पोता। जाइए ना बाबूजी। देखो विद्या, तुम इधर उधर सिर्फ आवारा गर्दी मत करते रहना, खूब मन लगाकर अच्छी तरह पढ़ना, समझे? समझ गया भाभी, पर तुम इम्तिहान से पहले जरूर लौट आना, एक तरफ मेरी मेहनत होगी, दूसरी तरफ तुम्हारा आशीर्वाद, फिर देखता हूँ कौन मुझे फेल करता है। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी, जरूर आ जाऊंगी। और बसंती, मेरे वापस लौटने के बाद तुम भी मुझे खुशखबरी सुनाना। कौन सी खुशखबरी भाभी? तू चुप रह, तू नहीं समझेगा। हाँ दीदी, काश ये जरा सी बात इसके समझ में आ जाती। भाभी। अरे ये क्या शिवा, तुम्हारी माथे पर तिलक आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मंदिर गए थे क्या? हाँ भाभी। अच्छा। आज गया था भगवान से मन्नत मांगने की, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा भतीजा दे दे। ये लो प्रसाद। अरे इतनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए? मेरे भैया, जब सवारी जाएगी तो उसके साथ सामान जाएगा कि नहीं? मीटर में जो आएगा उससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अरे 2 रुपए दे दीजिएगा साहब। अरे तू जाना यार, चलती कर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, शुभ काम के लिए जा रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा दे दीजिए ना। दे देंगे, चलो। अरे ओ दानवीर करण की औलाद, मालूम है पैसा कहाँ से आता है? तुम ऑटो में बैठो बेटी, विजय हर चीज में रुपए पैसे का हिसाब किताब करना कोई समझदारी की बात नहीं। अरे सेठ, पेट वाली औरत फटफट में कैसे जाएंगी, टैक्सी बिक्सी नहीं मिले क्या? तो चुप कर, स्टेशन के लिए स्कूटर में लगते हैं 12 रुपए और टैक्सी में लगते हैं 40 रुपए, तुझे मालूम है क्या? अच्छा अच्छा, बहस मत करो, चलो बैठो बेटी, बैठो। अच्छा चलो बैठो ना उमा। अरे भाई, अपनी जैसा खूबसूरत बेटा लेके आना, सेठ के जैसा नहीं, सेठ तो पैसा गिनते रहता है। जल्दी आना, जल्दी आना। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। हेलो डैडी, दिल्ली से पीटर का फोन आया था? हाँ आया था, आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा है। ओह थैंक यू, गुड नाइट डैडी। एक मिनट, पीटर ने फोन पर तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने उससे कहा तुम अभी लौटी नहीं हो, उस वक्त 8 बजे थे, अभी 11 बज रहे हैं। तुम्हारा ऑफिस तो शाम को 5 बजे बंद होता है, तुम इतनी देर कहाँ थी? हमारे ऑफिस के एक कलीग की मैरिज एनिवर्सरी थी, उसी की पार्टी में गई थी। अच्छा, तुम यही कपड़े पहनकर ऑफिस गई थी? जी नहीं, ऑफिस तो मैं साड़ी पहनकर गई थी, जाते हुए इन कपड़ों का पार्सल साथ में लेकर गई थी। इसका मतलब ये है सुबह तुम्हें मालूम था कि शाम को पार्टी होने वाली है, ये बात तुम मुझसे कहकर जा सकती थी, मगर तुमने जरूरी नहीं समझा,
कम से कम नौकरानी को इतला दी होती, तुमने वो भी जरूरी नहीं समझा। जिस आदमी ने अभी तुम्हें स्कूटर पे ड्रॉप किया वो कौन था? डैडी, आपके इन सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैं आग हूँ हर बात में। वेरी गुड, लेकिन तुम्हें ड्रॉप करने वाला अगर रूई होता तो जल जाता। डैडी, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाला कलीग है और मैं उसके साथ स्कूटर पर कई बार जा चुकी हूँ और पीटर इस बात को जानते हैं। पर अभी जो तुम बाहर से आई हो इसके बारे में पीटर जानता है? देखो, गाड़ी चलाने वाला पीटर है, पीछे बैठने वाली तुम अगर हिलने डुलने लगोगी तो गाड़ी भी हिलने डुलने लगेगी। यहाँ गाड़ी का मतलब जिंदगी से है। हमारी जिंदगी की गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चलती रहेगी, वो सिर्फ उसी वक्त डगमगाएगी जब कोई बूढ़ी मनहूस बिल्ली हमारा रास्ता काटेगी। बाय द वे, यहाँ बूढ़ी बिल्ली का मतलब आपसे नहीं था। Hi Dad, my Delhi trip was extremely successful. What happened to you, Dad? What's the matter? Huh? Nothing, my son. Nothing. विद्या की पढ़ाई खत्म हो गई? आपका छोटा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्या इसकी फिक्र सिर्फ आपको होनी चाहिए, घर में और किसी को भी नहीं? क्या बकवास कर रही हो, इसकी फिक्र घर के सभी लोगों के मन में है। क्या आपके बड़े भैया ने एक दिन भी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा? क्या उन्होंने एक बार भी विद्या से ये कहा कि तेरी भाभी बम्बे चली गई है, तू मेरे कमरे में आके पढ़ सकता है, मैं तुझे पढ़ा दूंगा? बोलिए, कहा? इस सवाल के पीछे विद्या की पढ़ाई है या तुम्हारी शारीरिक भूख? देखो रजनी, मैं तुम्हें आखिरी मरतबा समझा रहा हूं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कोई भी कदम उठाओ कि कोई तुम पर उंगली उठाए। मैंने उम्मीद की थी कि तुम मेरे डैड को भगवान की तरह मानोगी, लेकिन तुमने तो उन्हें एक मामूली इंसान भी नहीं समझा। तुम रात को डिनर पे गई वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम डैड को बताए बगैर डिनर पे गई वो तुम्हारी भूल थी। तुम सक्सेना के साथ स्कूटर पे आई उसका मुझे कोई रंज नहीं, लेकिन तुम रात को 11 बजे घर आई वो तुम्हारा गुनाह था। क्या आपने एक दिन भी इस बारे में सोचा, महसूस किया कि हमारी शादी को कोई 7 साल नहीं हुए, सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों में हम 6 दिन भी कमरे में सोए? पीटर, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी भी इंसान के लिए जगह नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाकर रखो। अपने घर में मुझे आजादी नहीं मिली, मैंने सोचा था यहाँ मुझे आजादी मिलेगी, अपने घर की गुलामी की जंजीरें तोड़कर मैंने तुमसे शादी की, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरी एक भूल थी। मैं अपने घर में गुलाम थी, यहाँ भी मैं गुलाम हूँ। मैं एक अमीर घर की बहू बनकर जिंदगी भर कैदी बनकर नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो गोदावरी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन बसंती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शिवा जी, तुमने बहू को कहीं भेजा है क्या? तुम लोगों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे तू जवाब क्यों नहीं देता? बसंती सुबह से दिखाई नहीं दे रही, अरे तू चुप क्यों है? ठीक है, गोदावरी में खुद जाकर उसे ढूंढता हूं। रजनी अकेली आ रही है, क्या बात है बेटी, सुबह सुबह सामान के साथ? मैं यहां हमेशा के लिए आ गई हूं मां। ये तुम कैसे बैकी बैकी बातें कर रही हो बेटी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मां। वो कौन बेटी, तुम्हारे घर का नौकर? नहीं पीटर, रजनी इज्जत से नाम लो अपने पति का, उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा है। मंगलसूत्र नहीं गोदावरी, उस आदमी से इसने अपनी अंगूठी बदली थी। मंगलसूत्र और अंगूठी की इज्जत तब होती है जब एक लड़की उनके पवित्र बंधन में बंध जाती है, लेकिन जब लड़की को पत्नी का दर्जा ही नहीं मिलता तो ये दोनों चीजें मामूली जेवर बनकर रह जाती है, एक ढकोसला हो जाती है। मुझे इन अंधविश्वासों में बिल्कुल विश्वास नहीं।
ये तो हम धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या होगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं किसके बारे में फिक्र करूं। अपनी बेटी के बारे में, जो किसी का घर रोशन करने गई थी मगर राशन के साथ वापस आ गई, या उसके बारे में सोचूं जो हमारे आंगन में दिया जलाने आई थी मगर बगैर किसी को खबर किए सबको अंधेरे में छोड़कर चली गई है। बाबूजी, आप अपनी बेटी को वापस भेजने का रास्ता ढूंढिए, मैं अपनी बीवी को सीधे रास्ते से घर ले आता हूं। तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारे यहां आने के बाद तुम्हारे पिता ने यह भी नहीं पूछा कि वहां क्या हुआ और तुम क्यों आई। मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि उनके घरेलू मामलों में दखल देना मेरी शराफत नहीं होगी। तो फिर मैं किसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाऊं? अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें जिस आदमी के हवाले किया था उसे जाकर सुनाओ। अगर परेशानी उन्हीं की वजह से हुई हो तो? तब तुम्हें अपने पिता से यह बात करनी चाहिए। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। अब मैं तुम्हारा पिता नहीं रहा। जिस दिन मैंने तुम्हें डोली में बिठाकर विदा किया था उसी दिन से तुम्हारे इस पिता का साया तुम्हारे सर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब तुम्हारे पिता दीन दयाल जी हैं। बगैर किसी को बताए, बगैर किसी की इजाजत लिए घर छोड़ के आने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मुझे भले ही आप यहाँ से निकाल दें, लेकिन मैं उनके घर चली जाऊँ ये कहने का आपको कोई हक नहीं। फिर मैं चाहे होटल में रहूँ या और कहीं, बाद में ये मत कहिएगा कि आपकी इज्जत लूट गई, आपके मान को ठोकर लग गई। कहाँ जा रही हो? किसी नदी या कुएं की तरफ, या कोई ऐसी जगह जहाँ तुम आजादी से रह सको? आजादी से रहने की हिम्मत मुझ में नहीं है पिताजी, और ना ही मैं इतनी डरपोक हूँ कि अपनी जिंदगी से डरकर किसी नदी या कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। मैं अपने परेशानियों का हल खुद ढूंढूंगी। तो फिर तुम जा कहाँ रही हो? अपने पति के घर। वाह बेटी, यही एक रास्ता है जो सुहागन को स्वर्ग ले जाता है। अगर तुम चाहो मदद के लिए तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है। अरे रुक क्यों गए बेटी, अचानक इरादा बदल दिया? अरे शिवा आओ बेटे। प्रणाम पिताजी। पिताजी, मैं आपकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अगर सुन रहे थे तो समझने की कोशिश करो बेटे। तुम गैरेज में काम करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाता हूँ। अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो तुम उसके पुर्जों को छेनी और हथौड़ी से ठीक करते हो। अगर इंजन को ठीक रखोगे तो गाड़ी खुद ब खुद ठीक चलेगी। पिताजी, आपकी कपड़े की दुकान है तो मैं आपको एक बात उसी भाषा में समझाता हूँ। समझाओ। अगर मैं दुकान से कपड़ा खरीदूंगा तो उसे काट छांट कर इस तरह बना दूंगा ताकि मैं उसे पहन सकूं, पर उस कपड़े को दोबारा दुकानदार को वापस नहीं लौटाऊंगा। वाह बेटे वाह, हम दोनों एक दूसरे की जबान समझ गए। चलते हैं पिताजी। जीते रहो, चलो घर चलो। माँ, जिस तरह तुम्हारे घर से भागी हुई बहू को मनाने तुम्हारा बेटा गया है, उसी तरह एक दिन पीटर भी मुझे मनाने आएगा। मैं इन मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। आप चुप क्यों हैं बाबूजी? ये जहाज जिसे हम परिवार कहते हैं मुझे तो डूबता नजर आता है बेटा। इस जहाज में जो दरारें पड़ गई हैं उन्हें बंद करना होगा, और अगर बंद नहीं कर पाए तो डूबते हुए जहाज में से बचकर निकलना होगा। मैं कैसे बच सकता हूं, मैं तो इस जहाज का कप्तान हूं। लेकिन जो तैरना जानते हैं वो जहाज डूबने से पहले बचकर निकल जाते हैं। हाँ बेटा, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, पर अब मेरी समझ में आया कि तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, दुनियादारी बिल्कुल नहीं सीखी। अगर तुम्हें पति की जरूरत है तो तुम्हें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, कभी कभी हालात को देखते हुए इंसान को समझौता भी करना पड़ता है। हम दोनों के बीच जो हुआ उसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। तुम घर जाओ, मैं यूनियन ऑफिस होकर आता हूं। ये लो इस महीने का खर्चा। भगवान की तस्वीर के सामने रख दे बेटा। माँ गिन लो और अपने आप रख दो। अरे आज तक मैंने कभी गिने हैं, जो आज गिनू ठीक ही होंगे। फिर भी गिन लो ना माँ। ये क्या विजय, ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। ठीक ही तो है माँ, हम दोनों के मिलाकर महीने में 800 रुपए दिया करता था। उमा बंबई गई हुई है इसलिए अपने से 400 रुपए दिए। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है, तू ये हिसाब किताब लेकर बैठ जाएगा
तो ये घर कैसे चलेगा? माँ, आज जमाना ही ऐसा आ गया है कि बिना हिसाब किताब के गुजारा ही नहीं। बेटा, हिसाब से बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू मेरे पेट में 9 महीने 20 दिन रहा था। हिसाब पूरा हो गया ये कहकर मैंने तुझे नीचे उतार कर जमीन पर तो नहीं रख दिया था? माँ गोदावरी वाह, शादी के बाद आज पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। मैं पूछ सकता हूँ पिताजी, आखिर माँ ने ऐसी कौन सी अकलमंदी की बात कह दी जिससे आप बाग बाग हो गए? समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वही गाय सौदा करने लग जाए तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? माफी चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझा ढोता रहूं? अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, कल को मेरे यहां भी बच्चा होगा। अब मैं इस तरह से अपने रुपए पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता हूं पिताजी। शाबाश बेटा, माँ बाप भाई बहन पर पैसा खर्च करने से रुपया बर्बाद होता है। हाँ, और नहीं तो क्या, फर्ज और नसीहत की दुहाई सिर्फ मुझे दी जाती है। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटी बहन की शादी में खर्च करूं, और ये छोटी बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ के यहाँ मायके में पड़ी हुई है, नौकरी भी छोड़ चुकी है। इनका कोई कसूर नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, मगर यहाँ पड़े पड़े इनको ठुसाने में भी मेरा खर्च होता है पिताजी, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी से अपनी शादी कराने के लिए नहीं कहा था, और ना ही खाना ठुसाने के लिए किसी के हाथ जोड़े थे। पिताजी, अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है तो मैं किसी भी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी। हाँ हाँ, तुम जैसी लड़की किसी भी होटल के अंदर जाकर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारा यही घमंड तुम्हें एक दिन उससे भी कहीं आगे ले जा सकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। विजय, शायद तुम भूल गए हो कि रजनी तुम्हारी सगी छोटी बहन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ पिताजी, ये इसके पति और ससुर का कहना है कि ये रातों रात गैर मर्दों के साथ घूमती थी। आप इसे तो समझा नहीं पा रहे हैं और मेरी गलतियां निकाल रहे हैं। बहुत हो चुका विजय, मेरे खून को गंदा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं, चले जाओ यहाँ से। अच्छा माँ, चला जाओ। आज तक आप लोगों ने जो कहा चुपचाप करता रहा तो आपका बड़ा बेटा था, आज जब चुपता हुआ सच कहा है तो आप सब लोगों का बुरा लग गया। ये लड़की जो इस घर में जिंदगी बसर करने के लिए आई थी, बिना किसी से कहे बिना किसी को बताए जब ये घर छोड़कर चली गई थी, तब आप लोगों को गुस्सा कहां गया था? विजय, अपनी बहन के बारे में तुम उल्टा सीधा बोल सकते हो, लेकिन अपने छोटे भाई की बीवी के बारे में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, खासकर उस वक्त जब शिवा घर में मौजूद नहीं है। पिताजी, मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? शिवा को जो इस घर में इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं दी जाती? मैं हर लिहाज में शिवा से बड़ा हूं, वो सिर्फ 525 रुपए कमाता है और मैं 1725 रुपए, 1725 रुपीस। इज इट? यस। बहू, तुम जरा अंदर जाओ। 525 रुपए कमाने वाला चुपचाप घर में 450 रुपए देता है, और 1725 रुपीस कमाने वाला सिर्फ 400 रुपए देता है और हिसाब किताब बता रहा है। दैट इज द डिफरेंस। व्हाट इज स्टूपिड आर्गो, दैट इज व्हाट यू थिंक। अगर मैं शिवा को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी आज दोनों हाथों मुट्ठी भर कमा रहा होता। तो क्या मैंने आपसे मना किया था कि आप शिवा को मत पढ़ाइए? नहीं, किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन उन दिनों मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता, इसीलिए तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए मैंने उसे गैरेज में भेजा, तुम्हें कॉन्वोकेशन ड्रेस में देखने के लिए मैंने उसे खाकी वर्दी पहनाई, और तुम्हारे हाथों में डिग्री का कागज थमाने के लिए उस बेचारे के हाथों में कटिंग प्लायर थमा दिया। शिवा हीरा है, हीरा, जो उसे नहीं समझ सका वो महामूर्ख है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप उसे पढ़ाने की कोशिश भी करते तो क्या ये दावा है कि पढ़ाई उसके दिमाग में घुस जाती है? ये विद्यासागर को पढ़ा रहे हैं ना आप, क्या नतीजा निकल रहा है? भैया, इस साल मैं आपको पास होकर दिखाऊंगा। हर साल पास होने का दावा करता है, हर साल फेल होता है और भुगतना यहाँ पड़ता है। श्यारा है विजय भाऊ, बहुत देर से सेठ के खिलाफ जल्लीकट्टी सुनती। अरे भाव, बेटा तो बाप के साथ कंधा मिलाकर पूरे खानदान का बोझ उठाता है, और एक तुम है कि बाप का ऐब निकलता है, इनको गुनेगार बोलते हैं। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। देखो विजय, तुम्हारे 400 रुपए कम देने की वजह से क्या रजनी वापस अपने ससुराल चली जाएगी? बसंती की गलती माफ हो जाएगी? विद्यासागर इम्तिहान में पास हो जाएगा? देखिए पिताजी, बस बहुत हो चुका। बड़े बेटे की वजह से रुपए पैसों का झंझट, बाकी बच्चों की वजह से दिमाग की परेशानी, दुखी हो गया मैं। गोदावरी, इसने जो 400 रुपए तुम्हारी झोली में फेंके हैं ना, वो वापस थमा दो इसे। इसे जन्म देकर हमने जो पाप किए हैं उसके बदले से मुफ्त की रोटी खिलाते रहेंगे। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते फिरे, और ना ही अब इतना बेवकूफ बनूंगा कि दूसरों का पेट भरने के लिए अपनी जेब खाली करता रहूं। मिस्टर विजय कुमार शर्मा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है,
जिसमें अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं, जो अपने परिवार की नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूँ। कम से कम तुम इतना तो जानते हो ना कि इसी कमजोर और बूढ़े आदमी ने तुमको जन्म दिया है। इसी ने अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर पूरे परिवार का बोझा उठाया है। दफ्तर के टेबल पर झुककर रीढ़ की हड्डी के टेढ़ा होने से पहले तुम्हारे नाम के पीछे दो अक्षर एम कॉम जुड़वाए थे। नहीं जानता। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने 20,000 रुपए भरे थे और वो रकम मैंने अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को गिरवी रख के जमा की थी। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सरकारी दफ्तर के उस बड़े बाबू दीन दयाल शर्मा को नहीं जानते। नहीं जानता। एक बार जब तुम बस से गिरकर जख्मी हो गए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हारे इसी बाप ने अपना 3 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया था, क्या तुम ये भी नहीं जानते? हाँ हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नालायक कुत्ते, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। मिस्टर दीन दयाल शर्मा, मैंने आपके घर में शादी के लिए 18,000 रुपया दफ्तर से कर्ज लिया था। जिस दिन ये रकम सूद समेत गिनकर मेरे सामने रख देंगे, मैं दूसरे ही पल आपका घर छोड़ दूंगा। गोदावरी, तो फिर तुम अभी इस घर के बीचों बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दो। ये लकीर उस लकीर से ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो लक्ष्मण ने सीता के लिए खींची थी। मिस्टर विजय कुमार शर्मा, टूटे हुए दिलों की दरार के लिए किसी लंबी चौड़ी दीवार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लकीर ही काफी है। मैं अपनी मरी हुई मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कभी इस लकीर को पार करके उस तरफ नहीं जाएंगे और ना ही कभी तुम इस तरफ आना। और आपने शादी में जो मुझे 18,000 रुपए दिए हैं, उसे मैं 1 साल के अंदर सूद समेत वापस कर दूंगा। विजय कुमार जी, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी छुड़ा रखना पड़े, लेकिन इस बीच अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी मरी सूरत मत देखना, मेरी चिता में आग मत लगाना, मेरे शाद पिंड दान मत करना। नाउ गेट लॉस्ट। भाभी, भैया आ गए, जाके दरवाजा खोल दीजिए ना। तुम भी तो जाग रहे हो,
तुम्हारे भैया है, तुम जाकर खोल दो। अच्छा। मैंने घंटी बजाई थी, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी? पड़ी थी। तो फिर जो पढ़ रहा है उसे दरवाजा खोलने के लिए क्यों भेज दिया? तुम आ सकती थी। क्यों? अगर आज आपके भाई ने दरवाजा खोल दिया तो क्या उसके तलवे घिस गए? ये क्या, आज मेरी लुंगी नहीं धोई? नहीं। क्यों? भूल गई। भूल गई? इतनी रात गए तक वो पढ़ रहा है, उसके लिए कुछ चाय या कॉफी बनाई थी? नहीं। क्यों? मुझे बनानी नहीं आती। बसंती, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, घर के पिछवाड़े चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है। ये मत भूलो बसंती कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ। ओहो, आपको याद है कि आप मेरे पति हैं, लेकिन मैं ये रिश्ता कभी कब भूल चुकी हूँ। गुड नाइट। आज इस तरह गले में माला डालकर क्यों आए हैं? गोदावरी, दफ्तर के बाबू के गले में माला उसी दिन पहनाई जाती है जब हमेशा के लिए उसे दफ्तर से छुट्टी मिल जाती है। तो क्या आप रिटायर हो गए? लेकिन अभी तो आपकी उम्र सिर्फ 53 साल की है। अरे वो कौन होते हैं मुझे रिटायर करने वाले, मैं खुद ही रिटायर होकर आया हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और ये रिटायरमेंट मैंने इस खुशी में ली है कि जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, उसने मुझसे कहा कि जो 18,000 रुपया उसने मुझे उधार दिए हैं वो मैं सूद समेत उसे वापस लौटा दूं। तो इतनी रकम मैं कहां से लाऊंगा गोदावरी? मेरी जमा पूंजी तो मेरा प्रोविडेंट फंड और मेरी ग्रेच्युटी है जो सिर्फ मुझे रिटायरमेंट के बाद ही मिल सकती है। इसलिए मैंने दफ्तर वालों से कहा कि भैया मुझे रिटायर कर दो। पर आपकी 5 साल की सर्विस तो चली गई ना? 53 साल तक जिस इज्जत को बचाता रहा जब वो चली गई, 33 साल तक पाल पोस कर जिस बेटे को बड़ा किया जब वो चला गया, तो 5 साल की नौकरी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? अरे चली गई तो जाने दो। शिवा, नौकर की नौकरी चली जाए तो वो चुपचाप घर में तो बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने दूसरी नौकरियों का भी इंतजाम किया है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पन्नालाल मारवाड़ी की दुकान में हिसाब किताब लिखूंगा, 250 रुपए मिलेंगे। फिर दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दफ्तर जाकर अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के पेपर आगे बढ़ाऊंगा। सरकारी मामला है, पैसा मिलने में देर तो लगेगी, कभी कभी तो आदमी रिटायर हो जाता है और रकम उसके मरने के बाद मिलती है। हाँ, फिर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गांधी कॉलोनी में चौकीदारी करूंगा। इस बीच अगर शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम्हें मेरे लिए कोई दूसरा काम मिलता है तो मुझे जरूर बता देना। बाबूजी, क्या आपकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है? आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए बाबूजी, मैं कमाकर उनकी पाई पाई चुका दूंगा। भगवान तुझे बड़ी तरक्की दे बेटा, पर तेरे भाई ने मुझे एक सबक सिखा दिया है कि आज की दुनिया में अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही मेहनत करूंगा। बाबूजी, इस उम्र में आप इतना काम करेंगे, जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा, पर उसमें भी घर का ही भला होगा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, एक बार में ही सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। इतनी भी आने की क्या जल्दी थी, 3-4 महीने के बाद भी तो आ सकती थी, तार भेज दिया और पहुंच गए। माँ जी ने कहा था मुन्नी को लेकर जल्दी से जल्दी आ जाना। खैर ये बताइए, माँ जी और बाबूजी कैसे हैं? कितने दिनों से उनकी चिट्ठी नहीं आई और आपने जो खत लिखा उसमें भी उनकी कोई खबर नहीं थी। घर चल रहे हैं ना, वहीं चल के बात करते हैं। सुनिए, रजनी और बसंती की कोई खुशखबरी है? घर चल के बात करते हैं ना। अच्छा इतना तो बताइए, विद्या इस साल मेहनत कर रहा ना, इस साल वो जरूर पास हो जाएगा ना? कहा ना घर चल के बात करते हैं। अच्छा शिवा, सुनिए भाई साहब, बंबई में तो बहुत बारिश हो रही है, यहां अभी तक पानी बरसना शुरू नहीं हुआ। ओह गॉड, क्या बात है, सर दर्द हो रहा है? तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद करने का क्या लोगी? ओ
ओल्यो 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 मेरा लाजा बेटा, देखो 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 हमारा गर्ल आ गया। ओ, ये लाड अंदर चलकर भी तो हो सकता है, उतरो मीटर बढ़ रहा है। सुना तू भी सीख लेना। चलो ना। अरे वाह, ऐसे कैसे अंदर चले जाएं? मैं इस परिवार के चिराग को लेकर पहली बार आई हूँ। आप अंदर जाकर माँ जी से कहिए, वो आरती लेकर आएंगी, बच्चे की नजर उतार कर नारियल फोड़ेंगी, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ कोई नारियल वारियल नहीं फूटेगा और ना ही कोई आरती उतारने आएगा। अब माँ और बाबू जी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, घर का बंटवारा हो चुका है। ये लकीर देख रही हो, ये बंटवारे की निशानी है। अगर तुमने गलती से भी इस लकीर के उस तरफ पांव रखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। शादी के लिए 18,000 रुपया दफ्तर से कर्ज लिया था। जिस दिन वो रकम सूद समेत गिनकर मेरे सामने रख देंगे, मैं दूसरे ही पल आपका घर छोड़ दूंगा। मैं नहा चुका हूं, मेरे लिए खाना परोसो। उमा, उमा, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर चलो, चलो ना। ये सब हुआ है तुम्हारी गैरहाजिरी में। मैंने कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाया है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन अब कहीं तुमने दोबारा इन लोगों के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब चलता हूं, काम बहुत ज्यादा है, रात शायद देर से आऊंगा। अब समझने की कोशिश करो, हंसो। Woo!
कैसी माँ है ये? बच्चा रो रहा और ये बेखबर सो रही है? सो जा
सो जा चुप हो जा सो जा। हे तुलसी माँ, पहले हम तेरे चारों तरफ परिक्रमा करते थे, अब ये लकीर खींच गई है, हमें अपनी जगह पर ही परिक्रमा करनी पड़ेगी। क्षमा करना माँ। रहने दो गंगूबाई, कमजोर शरीर का ख्याल करूंगी तो घर का काम कैसे होगा। अनाज जो हो गई हूं। लड्डू तुमने अपने घर में बनाए तो फिर ये माँ जी के डब्बे में कैसे पहुंच गए? वो घर में डब्बा, डब्बे में घर, दोनों एक दूसरे में चला गया। गंगूबाई, तुमने इसमें क्या क्या मिलाया? इसमें गुड़, मैदा, मसूर का दाल, मूंग का दाल, खली, भूसा, चोकर, हाँ, ये सब डाल के हिलाया, मिलाया नहीं। गंगूबाई, मैं जानती हूँ लड्डू किसने तैयार किए हैं। मेरी एक बात सुनकर आज ये लड्डू लकीर पार करके यहाँ आए हैं। जिन्होंने ये लड्डू भेजे हैं उनसे जाकर कहना कि एक दिन उन्हें भी ये लकीर पार करके यहाँ आना पड़ेगा। अरे तो बोलने की जरूरत नहीं, हे बात तर उनके कान तक खुद ही पहुँच गई। सभी शाने नमस्ते साहब, हम धोबी हैं साहब। कहो क्या बात है? पिछले महीने जो कपड़े धोए थे ना, वो का पैसा लेने आए हम। कितने पैसे हुए? कुल मिला के 68 रुपया हुआ है साहब। ये लो 34 रुपये। 34 और बाकी के 34 रुपये उधर वालों से ले लो। और अगले महीने से इधर का हिसाब अलग नहीं लाए तो एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है साहब। साहेब, कहो। धोबी, इसका मतलब? लॉन्ड्री, उसका मतलब? कपड़ा धोने वाला। अरे उसका मतलब? साहब, जो कपड़ा धोकर इस्त्री करता है उसे धोबी कहते हैं। तो ऐसा क्यों ना जो बात भेजे में घुसे, क्या चाहते हो? पैसा लाओ। दो हम आपको? नहीं साहब, आप हमको पैसा देंगे। कितना पैसा देना है? 34 रुपए। बिल लायो? हाँ जी लाया है। तो पढ़कर सुनाओ, हमने कौन कौन से कपड़े धुलवाए हैं? 2 तारीख को 4 टेरिकोट की पैंटे और 4 टेरिकोट के शर्ट। 9 तारीख को 5 टेरिकोट की पैंटे और 5 टेरिकोट के शर्ट। 18 तारीख को 6 टेरिकोट की पैंटे और 6 टेरिकोट के कुर्ते। कुल मिला के 68 रुपए होते हैं। उधर वाले साहब ने तो अपने हिस्से के 34 रुपए दे दिए और कहा है कि बाकी 34 रुपया आपसे ले लें। तुमने जितने भी कपड़े गिनवाए हैं उनमें सबके सब टेरिकोट के कुर्ते, पैंटे और कमीजे हैं, क्यों? हाँ जी। शिवा, बाबूजी, यूनियन का मालिकों के साथ जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मेरी खाकी पैंट और खाकी शर्ट कंपनी ही धुलवा कर देती है। विद्या, बाबूजी, मेरे पास तो 3 हाफ पैंट्स, 3 शर्ट्स हैं, मैं घर पे ही धो लेता हूँ। गोदावरी,
मैं क्या पैंट और शर्ट पहनती हूँ? इन सब ने जो कहा वो तुमने सुना? हाँ जी सुन लिया। गुड। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने 7 मार्च 1968 के बाद पैंट पहनना छोड़ दिया है। अब उनसे जाकर पूछो कि अगर उनका हाथ तंग है तो मैं उन्हें उधार देने के लिए तैयार हूँ, पर चूंकि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता इसलिए उन्हें मुझे प्रोनोट लिख कर देना होगा और वो प्रोनोट 2 गेस्टेड ऑफिसरों से अटेस्ट कराना होगा। उनसे जाकर पूछो, अगर उन्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें रुपया दे सकता हूँ। अबे ओए धोबी। हाँ जी। इधर आ। हाँ जी। मुझे उधार लेने की नहीं उधार देने की आदत है। मैंने जो कहा तूने सुना? सुन लिया जी। ये ले 34 रुपए और जा यहाँ से। ठीक है जी। उमा। मैंने कहा सुना तुमने मेरे पूज्य पिताजी क्या फरमा रहे हैं? मैं यहाँ बैठी बैठी सब सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गले में लाउड स्पीकर लगा लिया है। अरे क्या मैं अकेला हूँ जो घर में लॉन्ड्री के धुले कपड़े पहनता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये तो आप भी जानते हैं। हम सब तो अपने कपड़े घर में धो लिया करते थे, लेकिन एक बात से आप साफ बचकर निकल आए। किस बात से? देखिए, इस आधे घर में आप और आपका परिवार रहता है, और इस मामले में अगर उन्होंने कोर्ट का नोटिस भेजकर हर महीने 500 रुपए किराया मांग लिया तो? किराया 500 रुपए? आहिस्ता बोलिए आहिस्ता। अगर उन्होंने ये सुन लिया तो कोर्ट का नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर आपको इस बात का पहले से जरा सा भी पता होता तो घर के बीच ये लकीर कभी नहीं खिंचवाते, है ना? समझ गए ना? सच कहता हूं मां, यू आर अ ग्रेट लेडी। तुम्हारे जैसी एक भी बहू हर घर में अगर हो तो मेरे ख्याल से किसी भी घर में कभी भी कोई मुसीबत या परेशानी नहीं आ सकती। ये जिंदगी एक गाड़ी है अल्बर्ट साहब। अगर ये गाड़ी सलीके से चलाई जाए तो ये बिल्कुल सही ढंग से चलेगी, मगर सबसे पहले जिस गाड़ी को हमें ठीक करके पटरी पर लाना है वो आपके घर की बहू रजनी है। जरा आप ही सोचिए, कोई शादीशुदा लड़की अपने पति से लड़कर मायके में आकर रहने लगे तो उसकी कितनी बदनामी होती है, पूरा समाज उसे हकारत की नजर से देखता है। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, जैसे तुमने कहा मैं 11 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा, लेकिन हाँ वहां पर आकर मुझे करना क्या होगा? वो पूरा नाटक डायलॉग के साथ मैंने इसमें लिख दिया है। ये रही आपकी कॉपी, एक कॉपी मेरे पास रहेगी। अगर आप बीच में कहीं भूल गए तो मैं पीछे से बता दूंगी। बस आप हिम्मत करके एक बार घर आ जाइए। हिम्मत? अरे तो मैं किसी से डरता हूँ क्या? हाँ मगर तुम्हारे घर पर आखिर मेरे साथ झगड़ा करने वाला कौन होगा? झगड़ा मेरे को करना पड़ेगा? हाँ गंगू भाई, ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। देवरे देवा, मैं झगड़ा नहीं कर सकती। एक तरफ वो इस घर का समधी है, इतना बड़ा आदमी है, उनको देखकर तो मैं थर थर कांपने को लगती। गंगू भाई, क्या तू ये नहीं चाहती कि ये घर सुधर जाए? अरे भाई मैं तो चाहती है। क्या तू ये नहीं चाहती कि रजनी अपने पति के साथ जिंदगी बसर करे? देवरे देवा बिल्कुल चाहती है भाई। तो फिर तुझे अल्बर्ट साहब के साथ झगड़ा करना ही पड़ेगा। शानी है भाई, फंसा दिया ना मेरे को। अच्छा भाई अब तुम बताओ कि मेरे को क्या क्या करने का है। मैं उस हर्बर्ट फर्नांडिस को फाड़ कर चिंदी कर देगी। हैं साहिब, पाँव बदलो, पाँव पाँव बदलो ना, पाँव बदलो। अरे उधर विरोधी पार्टी है, इधर इधर अपना पार्टी इधर है। शुरू करा। नमस्ते। सुनिए मैं यहीं खिड़की के पास खड़ी हूँ, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। नहीं नहीं, आप तो तैयार है ना? हाँ, तुम फिकर मत करो, मैं सारे डायलॉग्स याद करके आया हूँ। अच्छा, क्या ख्याल है शुरू करें? बिल्कुल। घर में कोई है? अरे देवा, तुम्हारा डोड़ा है कि बटाटा वाला? मैं पहाड़ जैसी औरत तुम्हारे सामने खड़े ली है, तारी तुम्हें पूछता है घर में कोई है? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट रजनी, अंडरस्टैंड? नहीं यानी गिट पीट, अंग्रेजी क्या बोलते है? देसी बिल्ली और बिलाई की मियाऊ मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं। हली हली हे साहेब, हिंदी में बोलो नहीं तो मराठी में बोलो, अंडरस्टैंड? आइए आइए ना। इस घर में क्या किसी में शर्म हया नाम की चीज नहीं है? क्या किसी को किसी के मान मर्यादा की चिंता नहीं है? एक शादीशुदा लड़की अपने पति का घर बार छोड़कर इतने दिनों से यहां पर रह रही है,
क्या आप लोगों में इतनी भी तहजीब नहीं कि उसे समझा बुझा कर उसके पति के घर भेज सको? हे तो इधर गड़बड़ घोटाला करने को आयला है, बड़ा शाना है, टेम देख कर आयला है भाई कि जब न घर में कोई मर्द है न गली में पुलिस वाला। गंगू भाई, अरे तुम चुप रहो, ऐसा लोग को तो जब तलक मुंह पे तड़ाक से जवाब न दो ना, इनके मुझसे कबाल नीचे नहीं होते। क्या मुझे मूछ वाला कहा? आपको खड़े खड़े बोलने में तकलीफ हो रही होगी, आप अंदर आइए ना। अरे भाई किसको अंदर किधर बुलाते, एक बात कान में तेल की तरह घुसेड़ लो हलकट फरांडिस। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारी बेटी रात को 10 बजे आएंगी, 12 बजे आएंगी या 14 बजे आएंगी, तुम्हारे को बीच में मगजमारी करने का जरूरत नहीं। हमारा बेटे का दिल चाहेगा तो वो रात भर भी नहीं आएगा। अरे हमारे घर में तो औरत लोग को पूरी आजादी है ना, और एक तुम है कि इतना छोटी सी बात के ऊपर हमारा बेटी पे शक किया। लानत है तुम पर, मारती मेरा कैसे है भाई? अरे अरे तुम चुप रहो भाई, है तू आदमी है ना जिसने तुम पे शक किया, इतना छोटी सी बात के ऊपर इतना हुजूम मचाया। अरे फरांडिस गेला गेला वो जमाना गेला, अब तर औरत लोग पे शक करेगा ना मर्द लोग तो औरत लोग उनका गर्दन पकड़ कर अंगार में डाल देगा, अंडरस्टैंड गंगू भाई? आपको भाई जब तक तीर जैसा बात इसका खेखड़े जैसा भेजे में नहीं घुसेगा ना, इस माटे मेले को अक्कल नहीं आएगा। खेखड़े का भेजा? मैंने सोचा था तेरी बदतमीजी के लिए मैं तुझको माफ कर दूंगा, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इसलिए मुझे वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील के पास काई को? डिवोर्स के लिए। काई मतलब? तलाक, तलाक के लिए। मैं अपने बेटे के डिवोर्स के लिए वकील के पास जाएगा? अरे मैं तो मेरी बेटी का हिजरिस वकील है दादा, मैं अपनी बेटी का तेरे बेटे से डिवोर्स करती। गंगू भाई तुम चुप रहो भाई, हे बुढ़ा तक सटिया गया है। क्या क्या कहा तूने मुझे? सठियाया हुआ बुढ़ा कहा, खूसट कहा? ठीक है कल ही मैं वकील का नोटिस साथ लेकर आता हूँ। अरे नोटिस फोटिस का झंझट काहे को पालते, जब मर्द की औलाद है तो अब भी फैसला करो ना। गंगू भाई अरे तुम चुप रहो, जाओ 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 अपने वकील के कागज पर अपने बेटे का अंगूठा लगवा कर लाओ, हम भी अपनी बेटी से कागज के टुकड़े पर लिखवा कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। गंगू भाई अरे तुम चुप रहो भाई, साहब जब तुम्हारी मूछ असली है ना इस घर में पाँव तभी रखना जब तलाकनामा हाथ में होएगा, अंडरस्टैंड? ओके ओके, अब मैं तलाकनामे के साथ ही यहाँ पर आऊंगा, और अगर मैं डिवोर्स पेपर के साथ यहाँ पर नहीं आया तो मेरा नाम भी अल्बर्ट फर्नांडिस नहीं, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ जाओ जाओ, काय समझते मेरी बेटी पे शक करते हैं। अल्बर्ट सर थैंक यू वेरी मच। अरे क्या थैंक यू, तुम्हारी उस गंगू बाई ने तो मुझे पूरा का पूरा नोश डाला। क्या है कि 25 साल से वो नाटक करती आ रही ना, हाँ। इसलिए इतनी अच्छी एक्टिंग की। नाटक भी करती है? हाँ। कहाँ? अपने मोहल्ले में, वहाँ जब रामलीला होती है तो वो सुरपणता का रोल करती है। लेकिन अल्बर्ट साहब आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओह धन्यवाद। सुरपणखा? नहीं डैड नहीं, जो लड़की आपकी इज्जत नहीं करती वो मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं। ऐसा मत सोचो, ये सवाल मुझको लेकर शुरू हुआ था, इसका जवाब भी मुझे ही ढूंढना है। इसके लिए आप अपनी बेइज्जती कराने उस घर में चले गए? मेरी इज्जत इसी में है बेटे कि तुम और रजनी साथ में मिलकर जिंदगी गुजारो, इससे मुझे खुशी भी होगी और फख्र भी। ये तुम्हारा डिवोर्स पेपर है, इस पर तुम दस्तखत कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजारें और दूसरी तरफ आप मुझे डिवोर्स पेपर साइन करने को कह रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे मुमकिन है? आई डोंट अंडरस्टैंड। यही तो शतरंज की चाल है बेटे, वैसे इस कागज पर तुम्हारे दस्तखत बिल्कुल डमी होंगे, लेकिन इसी कागज से मैं तुम्हारी बीवी को सही रास्ते पर ले आऊंगा। से बुखार है मुझे, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे ने दूध पिया? नहीं, भूख से तड़प रहा है।
मैं इसे दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मुझे लगता है कांटे बढ़ गई है। हे भगवान, दूध जम गया होगा। मैं चार बच्चों की माँ हूँ, तुम्हारी तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है, इसलिए लकीर पार करके मैंने अपने पति के सौगंध को तोड़ा है। भगवान मुझे माफ कर देना। बच्चे का नाम क्या रखा है? प्यार से मुन्ना और असली नाम दीनदयाल रखा है। उन्हीं का नाम रख दिया जिनका नाम मैं ले नहीं सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। दावरी, तुमने साबित कर दिया कि पति गैर होता है लेकिन बेटा अपना ही खून होता है, इसीलिए लकीर पार करके उस तरफ चली गई थी। तुम्हारी जैसी औरतें सिंदूर के रिश्ते से औलाद के रिश्ते को बड़ा मानती है। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या कर रहे आप? जब पत्नी मर जाती है तो उसके दाह संस्कार के बाद पति को स्नान करना पड़ता है। ये वही स्नान था? नहीं, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तुम्हारा तिरस्कार करके तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं? इतनी ना तो मुझ में हिम्मत है और ना मेरे शरीर के अंदर ताकत, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक तुम मुझसे बात तक मत करना। अरे शेठ, देवा रे देवा, हे का शेठ, तुम आधी रात को बगीचे में बैठ के दारू पीते हैं? अरे शेठ, बुढ़ापे में क्या बुद्धि खराब हो गई? उधर चारों बाजू साथ तुमको ढूंढता है। चलो शेठ, घर को चलो, चलो। अरे हट, कौन सा घर गंगू भाई? किस घर में बेटा अपना नहीं, बीवी तक अपनी नहीं, मान नहीं, मर्यादा नहीं, इज्जत नहीं, तुम उसको घर कहती हो गंगू भाई? घर को चलो सेठ। मेरी तो नौकरी भी चली गई। हाँ, एक चीज है जो मेरी है और वो है ये दारू। Oh.
काम का, अरे अब किस काम का, ए अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। सारी उम्र मैं इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का, अब किस काम का, अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। कर्ज भी ठीक है, कर्ज भी ठीक है, कर्ज भी ठीक है, बेदर्दों में सूद भी कितना जड़ा। सारी उम्र मैं इस जीवन के दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का, अब किस काम का, अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। इन खुद गर्जों ने, इन खुद गर्जों ने मुझे नहीं कहीं का छोड़ा। सारी उम्र मैं इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का, अब किस काम का, अब किस काम का, गोली मारो घोड़ा बूढ़ा हो गया। माँ जी मुझसे कुछ बात नहीं करेंगी। तुम्हारे बाबूजी ने बात कहकर तो मेरी जुबान बंद कर दी है बहू। बाबूजी ने आपके साथ बात करने से इनकार किया है, आपके साथ जिंदगी गुजारने से तो नहीं। जब तक हम ये बात जड़ से नहीं खत्म करेंगे ये समस्या हल नहीं होगी। ये घर एक चक्रव्यूह बन गया है माँ जी, इसे एक एक करके तोड़ेंगे तभी ये चक्रव्यूह टूटेगा। मैं समझी नहीं बहू। मैं सारी बातें आपको साफ साफ बता दूंगी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हमारी मदद करने को तैयार हैं। मेरी मदद? कैसी मदद? आज हरबट सेठ आने वाला है ना, मैं उसकी चीरफाड़ करूंगी, तुम ही घबराओ ना को, मेरी हाँ में हाँ मिलाना। मतलब? अरे भाई तुम ही समझा नहीं पिलाने इनको। अरे शान ही है, मैं समझाती। भाई भाई अरे अरे संभल के देखो, तुम ही वो घटिया नौकरानी हो ना जिसने मेरी इज्जत को पान की तरह चबाकर थूक दिया। हाँ उसी बेइज्जती का जवाब लाया हूँ, ये रहा तलाक पत्र। इस गंगूबाई ने मुझे खुसट कहा, सठियाया हुआ बुढ़ा कहा, मूछों वाला कहा, यहाँ तक के केकड़े का भेजे वाला कहा, और आप ये सारे अपमान खामोशी से सुनती रही। जमुना जी नहीं, कावेरी जी नहीं, गोदावरी जी, आप भी आंखें खोलकर देख लीजिए, यह है तलाकनामा। आगे इस केस में तुम वादी हो, नहीं प्रतिवादी हो, नहीं कोई भी वादी हो, तुम भी इस तलाकनामे को देख लो। इस तलाकनामे पर मेरे लाडले बेटे ने अपने सिग्नेचर्स कर दिए हैं। इसे आप बतौर डिवोर्स पेपर इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, इसके बाद आपकी बेटी को बाकी जिंदगी गुजारने के लिए जितने भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी वो रकम आप इसमें भर सकती हैं। इसके बाद
आपकी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी में कोई दखल नहीं देगी और मेरे बेटे को आपकी बेटी से मतलब ही नहीं होगा। ये होगा उसका कानूनी सबूत। प्लीज इसे आप अपने पास रख लीजिए। माय डियर समधन, आई एम रियली प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि आपके दरवाजे पे उस दिन जो मैंने कह दिया वो आज करके दिखा दिया। दिखा दिया ना गंगू भाई? तुम्हें दिखा दिया, मैं देख लिया। हे बताओ कि अभी तुमको क्या चाहिए? मेरी बेटी का हाथ का लिखेला तलाकनामा तर टेम पेपर लेकर मैं अभी आती। हेलो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। साथ में रखता है, बड़ा श्याणा है, पूरी तैयारी करके आया है। रजनी, इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा अक्षर से अपना नाम लिखो, लिखो। नहीं, अरे इसको बताओ ना। अरे चलो, अपना कोई इज्जत नहीं दिखाएगी। नहीं, चलो गंगू भाई। चले क्या? मैं बोलती जल्दी से इसको ऊपर चेंज करो, करो। नहीं माँ, माँ मा, इसे समझाओ ना। अरे गाय को नहीं समझती, अक्कल को कहेगी। इज्जत का सवाल? माँ एक बार सोच तो ले। सर कर माँ। अरुणा हाँ कर माँ, एक बार फिर। चलो चलो। ले हर बात। इधर कोई नहीं, फिर भी नाटक कर रही है, हलवट बोल रही है। माफ करा बाबा, माफ करा। ठीक है गंगू भाई, रजनी क्या कर रही है? अंदर है, रो रही है शानी। रजनी, बेटे रजनी, बेटी रजनी, तुम चाहो तो हम सभी फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। हमारे घर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, उसे तुमको अटेंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने की 18 तारीख को शनिवार सेंट मैथ्यूज चर्च में मेरे बेटे पीटर और मेरे लंदन के दोस्त जॉर्ज डिसोजा की बेटी मारी डिसोजा की मैरिज होने वाली है। ये रहा इनविटेशन कार्ड, शादी में जरूर आना बेटे। अच्छा मैं चलता हूं। अगर आवाज निकाली तो चाकू घुसेड़ दूंगा। चाकू घुसेड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा भाई। सच सच बताओ, इस कॉलोनी में सबसे अमीर आदमी कौन है? मुझे उसके घर में हाथ साफ करना है। तुम्हारा नाम क्या है चोर भाई? नाम जानकर क्या करोगे? वो तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, पर अगर नाम बता देते तो। भोलू। भोलू भाई, मैं चौकीदारी सिर्फ नाम के लिए करता हूँ, और चोरों को पकड़ना मेरे बस में नहीं है, मेरी उम्र नहीं देखते। दरअसल मेरे बेटे ने मुझे कुछ रुपया उधार दिया है और मैं वो कर चुकाना चाहता हूं। अब अगर तुम इस मोहल्ले में चोरी करोगे तो मेरी चौकीदारी की नौकरी भी चली जाएगी। पर एक बात बताओ, तुम चोरी किस लिए करते हो? अपनी बीवी और अपने बेटे का पेट पालने के लिए। आज पहली बार मैं चोरी करने आया हूं। अरे अरे अरे, देखने में तुम शरीफ आदमी लगते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है? 5 साल। तो फिर 25 साल तक तुम और इंतजार करो। जब वो जवान हो जाएगा और तुम्हारे अरमानों की लाश को कर्जे के कफन से ढक देगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बेटे का गला पालने में ही क्यों नहीं घोट दिया। खैर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम अपने बेटे को किसी इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दो। हाँ, और किसी कॉलोनी में चौकीदारी शुरू कर दो, क्योंकि चोरी करने से अच्छा है चौकीदारी करके मरो। ये चाकू मुझे दे दो और जाकर काम शुरू कर दो। नमस्ते। नमस्ते, जाओ। हाँ देख लिया, तुम जाओ, मैं लाला से आके खुद साफ करूंगा। ऐसे तो दिवाला निकल जाएगा भाई। ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? जनरल स्टोर का बिल 300 रुपया। उस घर में कितना बिल आता था? कुल मिलाकर 400 रुपए। 8 लोगों के लिए 400 रुपए से 2 लोगों के लिए 100 रुपया होना चाहिए, 300 रुपए कैसे? आप क्या समझते हैं मैं पैसा फिजूल खर्च करती हूँ? ये देखिए, खाने के बाद आपको 3 वक्त दवा चाहिए। दवा के दाम रोज बढ़ते हैं, ये नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। नहाने के बाद बदन पर लगाने के लिए खुशबूदार पाउडर सिर्फ आपके लिए। और ये है आपका हेयर ऑयल जो महीने में 2 बोतल लगता है। जितना तेल आप बालों में लगाते हैं उतना ही जमीन पर गिराते हैं। ये टूथपेस्ट सिर्फ आपके लिए। मैं तो अपने दांत दांतों से साफ करती हूँ, उस घर में भी सभी लोग दांतों नहीं इस्तेमाल करते हैं।
ये है आपका शेविंग क्रीम और ये रहा आपका आफ्टर शेव लोशन। ये मैं तो इस्तेमाल नहीं करती। और हाँ, जानते हैं घी का दाम क्या है? 65 रुपए किलो। खाने में घी जरा सा भी कम पड़ जाए तो आपकी दिमाग की गर्मी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। हाँ, बाकी मेरा और मुन्ने का खर्चा ही क्या है? बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, बेबी फूड और कभी कभी डॉक्टर का खर्चा। बाकी ये सब कुछ आप ही के लिए है जी। उस गर्मी में आपका खर्चा कुछ 100-150 रुपए तक आता होगा, लेकिन कभी किसी ने हिसाब नहीं किया। अगर आपको पहले से मालूम होता कि घर का खर्चा इतना बढ़ जाएगा तो घर के बीच लकीर कभी नहीं खींचती, है ना? ये तो बड़ा गजब हो गया माँ जी। क्यों? विद्या सारी रात उन दोनों के कमरे में पड़ता है ना? हाँ। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया। अरे शिवा, तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। हेलो शिवा, मैं भाभी बोल रही हूँ। देखो शिवा, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो जवाब भले ही मत देना, पर मेरी एक बात गौर से सुन लो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम विद्या की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में तुम बेचारी बसंती से क्यों बदला ले रहे हो? शिवा, तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम एक फरमाबरदार बेटे हो, एक जिम्मेदार भाई हो, लेकिन अभी तुमको ये साबित करना बाकी है कि तुम एक अच्छे पति भी हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? माँ, अगले हफ्ते इलाहाबाद में मेरे एक इंजीनियर की लड़की की शादी है। मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं बसंती को भी साथ लेकर जाऊँ। क्यों रे, वो तेरी बीवी है, उसे अपने साथ ले जाने के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? बसंती, चलने की तैयारी करो। अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो हमसे ज्यादा खुशी इंजीनियर साहब को होगी। माँ, चाय पियोगी बेटी? नहीं माँ, आज 18 तारीख है। तो क्या व्रत है तुम्हारा जो 18 तारीख को तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं माँ, आज तारीख 18 है। मैं जानती हूँ बेटी, कल 17 तारीख थी, कल 19 होगी, तो जाहिर है कि आज 18 ही तारीख होगी। आज पीटर की शादी है माँ। पीटर? कौन है ये पीटर? हाँ हाँ, जिसने तुझे तलाकनामा लिख कर दिया था। अरे वो शादी करे या भाड़ में जाए, हमें उसकी फिक्र क्यों? तलाकनामा उन्होंने लिख कर दिया था माँ, मैंने तो नहीं दिया था। वो तो आपने और गंगूबाई ने मुझसे जबरदस्ती लिखवा लिया था। देवा रे देवा, कितनी शान पट्टी कर दी। अरे भाई, तुम अपने मर्जी से अपना मर्द और ससुर के साथ में झगड़ा करी, उनका बेइज्जती करी। और भाई, हेड बोली थी ना हेड कि मेरा मर्द तो मेरे को माफी मांगने को आएगा, मेरा पांव पकड़ने को आएगा। हे मर्द तो बड़े श्यान है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती। तुम इज किया भाई, तुम इज भुगता। मैं तो नादान हूँ, मगर आप लोग तो मुझे अच्छी सलाह दे सकते थे। सलाह? अरे भाई, सलाह तो उसको दी जाती है जिसके पास में भेजा होता है। गंगूबाई, उस वक्त तर अकड़ी के मारे अकल घास चलने को गई थी, अब तर शानी हो गई ना। माँ, मैं इसी वक्त जा रही हूँ।
मैं जाकर डैडी और पीटर से माफी मांगूंगी। अच्छा भाई, जा रही है तो अच्छी साड़ी पीड़ी बदल कर जाना, शादी का मामला है ना। कैसी बातें करती हो गंगू भाई, मैं शादी रचाने नहीं रोकने के लिए जा रही हूँ। तू कहीं रोकेगी भाई, शादी का कार्ड तो मेहमान लोग तक पहुँच गया होगा। माँ जी, इस बार ऐसा लगता है कि रजनी एक्सप्रेस सचमुच रवाना होगी। अच्छा ही हुआ, अब तो सीधा चर्च में ही जाकर रुकेगी। नहीं भाई, ये तेजी देखकर तो ऐसा लगता है कि रजनी एक्सप्रेस मायके से छूट कर सीधे ससुराल में जाकर रुकेगी। रजनी बेटी, I was waiting for you. डैडी, वो शादी? शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? पीटर की शादी? पीटर की शादी? You mean Peter's marriage? किसने कहा तुमसे? Who told you? आप ही ने तो मुझे इनविटेशन कार्ड देकर शादी के लिए इनवाइट किया था। ये कार्ड तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही छपवाया था। हा? इस अकेले कार्ड का 65 रुपीज मुझे बिल भरना पड़ा। तो फिर आपका और गंगू का वो झगड़ा, वो डाइवोर्स पेपर्स? वो तो एक ड्रामा था बेटी। और लंदन का आपका वो दोस्त जॉर्ज डिसूजा? झूठ था। और मेरी डिसूजा? वो भी झूठ था। देखो बेटी, पीटर के लिए तुम मिसेस फर्नांडिस हो और मेरे लिए मेरी बहू रजनी फर्नांडिस। तो फिर ये नाटक क्यों किया डैडी? ये नाटक बेटी, ये नाटक तुमको और पीटर को मिलाने के लिए किया था। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम दोनों अलग नहीं रह सकते। पीटर कहाँ है डैडी? बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पीटर, I love you. I love you, रजनी। I love you, पीटर, I love you. माय सन, ये चर्च है और मैं फादर हूं। यहां मेल होता है, मिलन घर जाके कर सकते हो। ओके, यस प्लीज। क्या आपके होटल में एक डबल रूम मिल सकता है भाई साहब? कितने दिन के लिए चाहिए? 3 दिन के लिए। अच्छी बात है, यहां साइन कीजिए। 407 की प्लीज। अच्छा है ना? हाँ, अब बताओ शादी का मुहूर्त कितने बजे है ताकि मैं तैयार रहूं? अब तो 3 दिन तक रात दिन मुहूर्त ही मुहूर्त है। क्या मतलब? अरे पगली, घर में अकेले में चांस नहीं मिलता था ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाजार जाकर सुहाग रात और सुहाग दिन का बंदोबस्त करके अभी आता हूँ। बसंती, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। बस क्या हुआ बसंती? कब कभी के साथ अचानक बुखार चढ़ गया। बुखार? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। मिस्टर शिवा, आपकी वाइफ को मीजल्स है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगी। खास बात यह है कि आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। मेरा मतलब समझ गए ना? अच्छी तरह से समझ गया डॉक्टर, खसरे के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए मुझे मालूम है। अच्छा मैं चलती हूँ। अब एक मिनट डॉक्टर, ये मिठाई अपने बच्चों को दे दीजिए और ये फूल भगवान पर चढ़ा दीजिए। थैंक यू।
क्या सुहाग रात है, क्या सुहाग रात है और क्या सुहाग है, एक तल की भूख है एक मन का राग है, रंग और रूप चार दिन के मेहमान है, ये सच है इस सच से लोग अनजान है, ये तन का रिश्ता नहीं ये मन का प्यार है, देखिए ये संसार है यही संसार है, ये संसार है देखिए ये संसार है। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। बाबूजी जीते रहो बेटा। माँ जीते रहो भैया। अरे अरे जब माँ और बाबूजी के चरण छू लिए उसके बाद हमारे पाँव छूने की क्या जरूरत है। ये ले तेरा तोहफा, जाकर दोस्तों के साथ ऐश कर। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। मैं अपने पास होने की खबर अपने दोस्तों को सुना कर आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अजीब कन्फ्यूजन है, सब नए और पुराने डिब्बे मिला के रख दिए, समझ में नहीं आ रहा बच्चे ने इस महीने कितना दूध पिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई माँ बाप अपने बच्चे के दूध पीने का हिसाब रखते हैं? हर बात का हिसाब रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अच्छा लगने को मैं चाटूं क्या? मैं तो बस ये अच्छा लगता है कि ऑफिस में टेलीफोन कर दिया और बोल दिया ये चाहिए वो चाहिए, ये खर्चा है वो खर्चा है, डॉक्टर के यहाँ जाना उसके यहाँ जाना है, साली तनख्वाह आने से पहले ही हवा हो जाती है। पहले जब एक साथ रहते थे तो 800 रुपए देता था, अब 1500 रुपए देकर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता मुझे, न जाने इस झंझट से कैसे मुक्ति पाऊं। अगर आपको पहले से पता होता कि इतने सब झंझट होंगे तो घर के बीचों बीच ये लकीर कभी नहीं खींचने देते। क्यों? मिस्टर विजय कुमार शर्मा। अपनी जुबान के मुताबिक मैंने तुम्हारे मूल और ब्याज की पूरी रकम का इंतजाम कर दिया है, ये रुपया उठाओ और जल्दी बताओ तुम ये घर कब खाली कर रहे हो। बाबूजी मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नासमझी की वजह से ये घर बिखर गया। मैं आपसे वादा करता हूं आइंदा अपनी पूरी तनख्वाह आपके हाथों में रख दिया करूंगा, मुझे फिर से इस परिवार में मिला लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। शिवा आज शाम को 6 बजे तक घर खाली हो जाना चाहिए, इनसे कह दो कि अपनी कोई चीज छोड़कर जाने की जरूरत नहीं और हमारी भी किसी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। घर खाली होते ही पूरे घर को फिनाइल से धुलवा देना, तब तक मैं मंदिर में बैठा इंतजार करूंगा। देवरी देवा शाणे, उस दिन जब तुमने इस घर को दो हिस्से में बंटवाए थे ना तब मैंने तेरे अपने दिल में बहुत गाली दिया था तुमको, लेकिन आज तुम अपना गलती मांग लिया, माफी भी मांग लिया, तेरी शर्ट बड़ा होकर बड़ा दिल रख के माफ नहीं किया, मैं तेरी देखती शर्ट कैसे माफ नहीं करती। इधर दो बच्चा मेरे को दो, दो मैं देखती शेट को जाना है।
यही सब तुमने फैसला किया ना, वो लोग आज इस घर खाली करके जाएंगा। तुम्हारा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, बस अपना ही सामान लेके जाएगा। हे किसका अमानत है? हे उनका घर में पैदा हुआ इसलिए उनका है कि तुम्हारे खानदान में पैदा हुआ इसलिए तुम्हारा है? दुनिया का सब पोता खेलते खेलते अपने दादा की छाती पर लात मारता है, पर तुम अजीब दादा है, तुम अपना पोता का छाती पर लात मारता है? बड़ा नाक वाला दादा है ना? अरे जो बड़ा बेटा तुम्हारी चिता को अग्नि देने वाला है, तुम उससे रिश्ता तोड़ लिया तब तुमको मुक्ति कैसे मिलेंगी? अरे जो पोता घी का दिया जलाकर तुमको सड़क का रास्ता दिखाने वाला है, तुम उसको भी ठुकरा दिया? अरे तुमको तो नरक भी नहीं मिलेगा, भूत बनकर पीपल के पेड़ से बरगद के पेड़ तक भटकेगा तुम। अरे सेठ, 20-25 का उम्र होता है बदला लेने का, 50-55 का उम्र होता है माफ कर देने का। अपना उम्र तो देखो, बड़ा होना अच्छा होता है लेकिन बड़प्पन उससे भी अच्छा। सेठ माफ करना, हम बचपन से तुम्हारे घर का नमक खाया, इससे हिम्मत करके दो बात बोलकर अपना दिल का बोझ हल्का किया। सेठ, हे बच्चा मैं हितरित छोड़कर जाती, जर है तुमको बोझ लगता है तर इसको हितरित पड़े रहने को दो, और जर है तुमको अपना लगता है तर इसको साथ लेके आना। आपको खबर है? उठो बेटा जी, आले आले निन्नी आती है, छोटा रहता है। हाँ मेरा बेटा जी, हम तेरे ऊपर देखता है। बोलो हमारे, हम तुम्हें जाएंगे, फिर मेले में जाएंगे, फिर खेलेंगे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते विजय भाव, सेठ का पाँव पकड़ कर माफी मांग लो, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। बाबूजी, शाम का भूला रात ढलने से पहले लौट आया है, इसे भी माफ कर दीजिए ना। विजय, मैं उस दर्दनाक वाक्य को बीते हुए कल की तरह भूल गया हूँ। भूल गया हूँ ना? रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ से मुझे आना ही नहीं चाहिए था वहाँ हूँ माँ। आप हमेशा के लिए उस तरफ जा रहे हैं या फिर वापस लौटकर इधर आ जाएंगे? इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप वापस लौटने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ खुशी खुशी चलती हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए जा रहे हैं तो मेरी एक बात सुनकर जाइए। रुपए बचाने के लिए आप अलग हुए थे, लेकिन अलग होकर आपका खर्चा और बढ़ गया। अगर आप उससे तंग आकर जा रहे हैं तो क्या वहां आपको पहले जैसी इज्जत मिलेगी? माँ जी और बाबूजी इस घर के बड़े हैं, उनकी कुछ कड़वी बातें शायद मुझे बुरी न लगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वहां आपका छोटा भाई और उसकी बीवी भी है। अगर उन्होंने कोई चुपती हुई बात कह दी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे ये कैसी बात करती बहू, जब बैर का बीज दम तोड़ रहा है तुम उसमें फिर से जान डालती? वो बैर का बीज इस घर में बोया जा चुका है गंगूबाई, अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तो बोलती एक बार फिर से सोच विचार लो, इस लकीर मिटाने के लिए तुमने कितना तकलीफ उठाया। मैंने सिर्फ ये हाथ से खींची हुई लकीर को मिटाने की कोशिश नहीं की गंगूबाई, बल्कि इस घर के लोगों के दिलों में पड़ी हुई दरार को भी पाटने की कोशिश की है। मैं तो यही चाहती थी कि सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहे और ये घर पूरे परिवार की हंसी से गूंजता रहे। बहू, तुम इतनी समझदार होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं समझदार हूं माँ जी,
तो फिर इनके कसूर की सजा मुझे क्यों दी? मैंने कौन सी भूल की थी माँ जी? मुन्नी को लेकर जब मैं पहली बार इस घर के चौखट पर आई, तब आप उसकी नजर उतारने के लिए भी नहीं आई। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकती थी तो गंगूबाई को भी भेजकर रस्म पूरी कर दी होती, लेकिन मुझे और अपने पोते को देखकर आप लोग ऐसे किनारा कर गए जैसे इस घर में छूत की बीमारी आ गई हो। अगर मैं समझदार होती तो क्या मैं चुप रहती माँ जी? बोलिए भाभी। हाँ, मुझे बुलाया तुमने मुझसे बात करने के लिए? तुमने बाबूजी से आगे ली है कि नहीं? उस दिन जब मैंने तुम्हें गैराज में फोन किया था तो तुमने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि भाभी तुम कैसी हो, तुम्हारा बेटा कैसा है। मेरा दिल दुखाने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ना शिवा। भाभी बड़ों ने गलतियां की होंगी, लेकिन कम से कम मेरी खातिर तो इधर आ जाइए ना भाभी। माँ, मैं अपने पास होने की खबर अपने दोस्तों को सुना कर आता हूँ। तुम ही हो ना जो मेरे मुंह पर तमाचा सा मारकर भाग गए थे। तुम पास हो जाओ, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, तो क्या उसमें मुझे खुशी नहीं होगी? वही बात अगर तुमने सीधी मुझसे कही होती तो मुझे कितना अच्छा लगता। हर छोड़ो, जाओ यहां से। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को ताने दे रही हूं या आप लोगों की बुराइयां निकाल रही हूं, लेकिन लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई कि एक औरत की इज्जत और बेइज्जती का जिम्मेदार सिर्फ उसका पति होता है। मैं भी कितनी बुद्धू हूं। मैंने सोचा था मेरे अपने घर में सास ससुर होंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं भी कितनी पागल हूं, मैं कितनी पागल हूं। मिला जुला परिवार फूलों की डाली की तरह होता है, उस डाली में से एक भी फूल टूट कर गिर जाए तो उसे दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। शुक्र है वो फूल टूटते टूटते बच गया। आज का दिन बहुत शुभ है, आज सब लोग एक बार फिर मिल गए, लेकिन अगर दूर रहकर सब लोग तीज त्योहार पर मिले और एक दूसरे से पूछे तुम कैसे हो, घर में कुशल मंगल तो है, तो ये प्यार हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर एक साथ रहकर फिर से झगड़े हुए, ये लकीरें खींची, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम दूर रहकर पास रहें, बजाय इसके कि हम पास रहकर दूर हो जाएं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आइए आइए ना बाबूजी, आपने अपनी बेटी के घर में पहली बार कदम रखा है। मैं आपके लिए सूजी का हलवा बना, खाएंगे। बाबूजी, इस घर की बहू होने के नाते मैंने अपने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा, एक तरह से हम लोगों का अलग अलग रहना ही अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हम लोग हर इतवार को यहाँ आएंगे, क्योंकि क्योंकि 6 दिन से ज्यादा तो हम लोग एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते ना। सब लोग इस घर में साथ बैठकर खाना खाएंगे, फिर शाम को हम लोग अपने घर लौट जाएंगे। ये सिलसिला जिंदगी भर खुशी से चलता रहेगा बाबू जी। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? ये संसार है।
संसार है, ये संसार है, देखिए ये संसार है, क्या खुशी की दास्ता, क्या फसाना रंज का, आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का, देखिए ये संसार।